close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello guys, welcome to my channel. My name is Herrick और आप देख रहे हो A Herrick Production. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो फ्यूजन स्टूडियो है उसके अंदर अपने जो हम 3D पेंटिंग को किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं. ओके, सो गाइस आज का टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है. आई होप मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूंगा ताकि आपको समझ में आए. अगर आपके पास फ्यूजन स्टूडियो है, फ्यूजन स्टूडियो तो है ही, हम फ्यूजन स्टूडियो पर काम करें. अगर आपके पास डाविंची रिजॉल्व है, अगर आप उस पर काम करना चाहते हो, उसके अंदर जो फ्यूजन है सेम है उस पर भी आप कर सकते हो. फिलहाल मैं फ्यूजन स्टूडियो पे काम करूँगा क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है और क्या कहते हैं, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो. मुझे कोई डाविंची का कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं है कि मैं उस पर काम करके फिर मुझे काम करूँ. मुझे टोटली फ्यूजन पे ही काम करना है, तो इसलिए मैं आज फ्यूजन यूज़ कर रहा हूँ. चलो गाइस, तो हम लोग चलते हैं, अपना फ्यूजन ओपन करते हैं. ये मैंने अपना फ्यूजन ओपन किया. सो गाइस, फ्यूजन ओपन करने से पहले सबसे पहले मैं फाइल में जाके, अपने प्रेफरेंस में जाके और अपने फॉर्मेट में जाके चेक करूंगा क्या है. सो मेरा ये है 9020x180 और फ्रेम रेट है 30, तो आई थिंक मुझे इतना ठीक लग रहा है. तो मैं जो हूँ इसको इतना ही रखूंगा, आप चेक कर लेना 9020x180 हो जो हम जो हमारी जो टाइमलाइन है उस पर हम जो वर्क करने वाले हैं. ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें फाइल इंपोर्ट करूंगा. बिल्कुल. सो मैंने कुछ फाइल्स हैं जो मैंने रख रखी हैं, सो मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ. ऑल करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा लाइक दिस. ओके, सो मेरी ये सारी फाइल्स हैं, ये आ चुकी हैं. ओके, सो सॉरी, तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट है. मर्ज को मैं सबको डिलीट करूँगा क्योंकि मुझे मर्ज का भी कोई काम नहीं है, तो लाइक दिस. ओके, सो अभी मेरी ये फाइल्स हैं. ओके, सो ये है क्या, तो ये इस पर क्लिक करके आप वन क्लिक कर सकते हो या ये डॉट से इस पर क्लिक कर. तो मेरे पे गाइस ये PNG इमेजेस हैं. मैंने कुछ इसमें से फोटोशॉप से निकाली हुई हैं ये अपनी इमेजेस, और कुछ मैंने बैकग्राउंड कट करके और फोटोशॉप से PNG में इनको बनाया हुआ है. कुछ मैंने डाउनलोड करी हुई है नेट से, तो आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने 3D मैट पेंटिंग बनाने के लिए. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है गाइस जो आज हम करने वाले हैं. बहुत इजी ट्यूटोरियल है, ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है और आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपनी जो ये टाइमलाइन है इसको चेक करते हैं कि हमें कितने फ्रेम पे काम करना है, लाइक 100 फ्रेम पे, 120 पे या फिर 160 पे. तो मैं काम करना चाहूँगा, मैं 360 फ्रेम पे काम करना चाहूँगा. 360, तो मैं यहाँ पे इसको सेट करके और इसको पीछे कर लूँगा. ओके, ताकि जो है मैं अपना जो जितना मुझे काम करना, जितने का मेरे को कंपोजिशन चाहिए, ओके, उतना मैं करूँगा. तो ये मेरी सेट हो चुकी है लाइक दिस, और मुझे ये कम करनी हुई तो मैं बाद में कम कर लूँगा. ठीक है, तो अभी फिलहाल ये सेट है. तो अभी क्या करना है, अभी मुझे ये सारी मेरी जो इमेजेस हैं मैं आपको दिखा देता हूँ. ये स्टोन है, ओ कंट्रोल जेड, या एक सेकेंड, या तो ये मर्ज मैंने डिलीट कर दिया लाइक दिस. ओके, तो ये मेरा है स्टोन, स्टोन फ्लावर मैं इसको नाम दे दूंगा. आप रीनेम कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ से राइट क्लिक करके अपने माउस को यहाँ से रीनेम कर सकते हो, या आप F2 क्लिक करोगे माउस पे, सॉरी अपने कीबोर्ड पे, तो वहाँ से भी ये जो है रीनेम टूल्स का ऑप्शन जो है पॉप अप हो गया आ जाएगा. ओके, सो मैं यहाँ पर फटाफट से नाम देता हूँ स्टोन, स्टोन फ्लावर. ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया है ताकि मुझे याद रहे. सेकंड मेरी इमेजेस है, F1 क्लिक करूंगा तो इसमें आ जाएगा. अगर आप F2 क्लिक करोगे तो ये राइट विंडो पे आपका शो होने लग जाएगा. ठीक है, मैंने F3 कर दिया, F2 करता हूँ, ये राइट में भी आपका आ जाएगा. ठीक है, F3 पे मेरी 3 डॉट इसलिए है क्योंकि ये मेरी जो तीसरी स्क्रीन है उस पर भी ये शो हो रहा है. ठीक है, तो मैं 3 अभी बंद कर देता हूँ फिलहाल लाइक दिस. ओके, सो ये है मेरे पास ग्रास, तो फटाफट से मैं इसका F2 करके इसका रीनेम चेंज कर देता हूँ ग्रास. ठीक है, ग्रास फ्लावर कर देता हूँ F2WER ताकि मुझे याद रहे. ओके, और ये मेरे पास है मेरा साइड में भी माउंटेन, या माउंटेन है. तो माउंटेन इस पर ऑलरेडी नाम हो रखा है गाइस, तो मैं नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी नाम नहीं करूँगा. ओके, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा भी करेंगे. तो ये क्या है, ये है मेरे पास ट्री, तो इस पर रीनेम नहीं है, तो मैं इस पर रीनेम कर लेता हूँ F2 दबा के ट्री, TREE. ओके, ट्री करके ट्री वन कर देता हूँ मैं इसको. ओके, क्योंकि आगे एक ट्री और है, स्काई पे ऑलरेडी नाम है तो मैं नहीं करूँगा. ये मेरा स्टोन है, तो ये स्टोन है, आप ये स्टोन बिल्कुल जो पत्थर है मैंने बिल्कुल ले रखा है, तो इसका पहले से नाम है तो इस पर मैं नहीं कर रहा. ये मेरा एक ट्री है गाइस PNG में. ओके, तो मैं इसको ट्री नाम ऑलरेडी है पर मैं इसको ट्री 2 कर देता हूँ. ओके, ताकि मुझे याद रहे. ओके,
ये रीनेम आपको कर लेना है, ओके लाइक दिस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ लाइक दिस, ट्री टू, ओके ट्री टू कर देता हूँ लाइक दिस। और ये मेरे पास है लास्ट, जो मेरे पास है वो है मेरा फ्लोवर, और ये मेरे पास है मेरा फ्लोर। फ्लोर मतलब जो मैं नीचे अपना जो नीचे जो चीज़ यूज़ करने वाला हूँ वो, तो मैं इसको फ्लोर नाम कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आपको याद रहे फ्लोर, ओके। और ये मेरा जो था ग्रास, ग्रास टू, ओके तो इसको भी मैं ग्रास टू नाम कर देता हूँ रीनेम करके लाइक दिस ग्रास। ओके तो मैंने आपको रीनेम कर लेना है इन चीज़ों का, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद रहे। दूसरा काम, मैं इसकी क्वालिटी थोड़ी सी जो देखने वाली जो क्वालिटी है मेरे व्यूअर की, मैं इसको कम करना चाहूँगा, ताकि मुझे जो है यहाँ से राइट क्लिक करके आप इस सॉरी राइट क्लिक करके हाई क्वालिटी को बंद कर सकते हो, प्रॉक्सी ऑन कर देता हूँ, ताकि ये जो है लो क्वालिटी पर चले, ताकि मेरा जो सिस्टम है वो हैंग ना हो। तो अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मेरा ये सब सेट है, तो अभी मुझे ये कंट्रोल ऑल करके इनको साइड में कर देना है, सॉरी जेट कंट्रोल ऑल, और मुझे ये साइड में कर देना है लाइक दिस, ओके। सो स्क्रॉल करके माउस को मुझे साइड में कर लेना है, ओके। ये मेरी वर्क फ्लो की टाइम है ना, जहाँ वर्क करूँगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा मेरा फ्लोर, तो इसमें से मैं देखता हूँ कि मेरा जो फ्लोर है वो कहाँ है। गाइज ये मेरा फ्लोर है, तो मैं अपने फ्लोर को साइड में लेकर आऊँगा, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं साइड से इन चीज़ों को लेता रहूँगा, ठीक है, ताकि एक बार में ही काम होता रहे। फ्लोर मैंने रखा, फ्लोर को मैंने यहाँ रखा। इससे पहले जो मेरा फ्लोर है मैं इसको चेक करता हूँ, या ये मेरा आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 124 into 640, ओके। तो ये पिक्सल जो है मेरे 190 into 1 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिएगा, मुझे चाहिए होगा एक रीसाइज नोट। रीसाइज नोट का मतलब है कि गाइस कि जो आपका टाइमलाइन का फ्रेम रेट जो है जो आपने रखा है सेम वही फ्रेम रेट हो जाएगा। तो मैं सर्च करूंगा रीसाइज नोट, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हो इस एरिया से, ओके। पर मैं सर्च कर लेता हूँ रीसाइज, आप शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबाओगे तो ये आ जाएगा, ओके रीसाइज या। सो ये रहा मेरा रीसाइज नोट, मैं ऐड करूंगा इसको, ठीक है, ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब क्या है गाइस, मेरा ये था नोट और ये है मेरा रिसाइज नोट। रिसाइज पे क्लिक करें, वन में दबाऊंगा तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक 90/20 into 180 हो चुका है, ओके। मेरा रिसाइज हो चुका है, जो मेरा ये था वन, जो मेरा ये था आप देख सकते हो जूम करके, ये जो मेरे पिक्सल थे वो मेरे, अब रिसाइज पे क्लिक वन करूंगा तो ये मेरे कन्वर्ट हो चुके हैं 90/20 into 180, सो गुड। और तो मैंने ये कन्वर्ट किया और मैंने इसको साइड में करा, ओके। सो अभी मुझे क्या चाहिए होगा, अभी मुझे चाहिए होगा एक मस्त 3D और एक रेंडर और एक 3D कैमरा। इनका क्या रोल है गाइस, इनका रोल ये है कि मस्त 3D में अपने ये सारी चीज़ें डालूंगा, और ताकि जो मेरे एक ही जगह मेरा पूरा सीन है जो क्रिएट हो। सो फटाफट से मैं लेता हूँ मस्त 3D, मैं डायरेक्ट यहाँ से ले रहा हूँ, सर्च नहीं करने वाला। अगर आपको स्पेस शिफ्ट दबा के स्पेस बार से अगर नहीं आया तो यहाँ पर आप टूल्स में इन सबको सर्च कर सकते हो, 3D में जाके सारा कुछ आपको मिल जाएगा, 3D कैमरा, 3D टैक्स, ओके, यहाँ पर आपके टूल्स में, ओके। ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, तो इसका मुझे चाहिए 3D कैमरा, मैं डायरेक्ट यहाँ से लूँगा, और रेंडर मैं यहाँ से लूँगा। रेंडर का मतलब ये है गाइस कि जो ओवरऑल हम बनाएंगे उसका जो रेंडर जो हमें दिखाएगा फाइनली कि हम क्या बना रहे हैं, सो फाइनल रेंडर नोट इसलिए यूज़ होता है। और कैमरे का ये रोल है क्या, इसकी कैमरे में हम जो इसमें लास्ट में बनाने के बाद अपने सीन को जो मोशन देंगे वो आप देखोगे, इसका सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे हम। सो फिलहाल मैं अपने कैमरे को, मेरे जो कैमरा है उसको मैं कनेक्ट करूँगा अपने 3D मर्ज से लाइक दिस, और जो मेरा ये रेंडर है, रेंडर का जो येलो पॉइंट है इसको मैं कनेक्ट करूँगा अपने 3D मर्ज से, ओके। सो ऑल सेट, ये मेरा सेट हो चुका है। रेंडर मेरा जो ये नोट है, इस नोट को मैं थोड़ा सा साइड में करूँगा यहाँ पर, ताकि ये अलग ही रहे बिल्कुल, और कैमरा को मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइमलाइन बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको फिलहाल मैं बाद में करता हूँ उसको। तो मैंने रिसाइज कर लिया। इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी गाइज एक कलर करेक्शन नोट की, तो उस नोट को भी मैं अभी लगा देता हूँ, पर अभी यूज़ नहीं, उसको बाद में यूज़ होगा, पर मैं उसको लगा देता हूँ ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं अपना कलर करेक्शन नोट पिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा लाइक दिस, ओके। सो इट्स कनेक्टेड, ओके। सो ये मैंने कनेक्ट किया मेरा कलर करेक्शन नोट, ओके। अब मुझे चाहिए होगा, मेरे को ये जो मेरा सीन है, इस सीन को मुझे 3D में डालना है। इससे पहले मैं काम करूँगा, मेरा जो कैमरा है मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं अपने कैमरा को शो कराऊंगा लाइक दिस। आप चाहो तो 1 क्लिक कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे से, या 2 क्लिक कर सकते हो तो ये आपके व्यू विंडो में आ जाएगा, पर मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के इस तरीके से भी आप डालोगे तो आ जाएगा, ओके। सो अभी क्या है,
मुझे अपना कैमरे को कंट्रोल दबा के अपने कैमरे को पीछे करूँगा, जूम आउट ठीक है, और जूम इन करोगे, कंट्रोल को दबा के रखोगे, अपने स्क्रोल को घुमाओगे तो ओके, और ऑल्ट दबा के आप 3D में इसको देख सकते हो। सो मैं ये करूँगा और मेरा जो कैमरा है जूम करूँगा, इसकी पोजिशन में थोड़ा पीछे लेके आऊँगा ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। ओके अभी मैं ऑल्ट दबा के और थोड़ा सा मैं इस तरीके से मोशन लूँगा ठीक है, ताकि मुझे पता चले। तो आई थिंक मुझे इतना ठीक लग रहा है, अगर मुझे दिक्कत लगी बाद में तो मैं ठीक कर लूँगा। ये पोजीशन मुझे ठीक लगी मेरे कैमरे की। ओके या तो ओके है, मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया है, हाँ इतना ठीक है। ओके सो अभी मैं अपने कैमरे को लॉक करूँगा ताकि जो मेरा कैमरा है वो यहाँ से बिल्कुल मूव ना कर सके। तो लॉक करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा कैमरा है, कैमरा 3D, यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लॉक का बटन, यहाँ पर क्लिक करके इसको लॉक कर दूंगा ताकि ये जो कैमरा है, अब देखो मैं मूव कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, तो ये मूव नहीं हो रहा ठीक है, ताकि ये फिक्स रहे, ताकि कैमरा जो है हमारा बिल्कुल ना हिले, ताकि जो हमारा सीन है वो प्रॉपर क्रिएट हो। तो अभी मुझे इस सीन को डालना है अपने 3D कैमरा में, तो मुझे चाहिए होगा एक इमेज प्लेन। मैं डायरेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ इमेज प्लेन, ओके थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और इमेज प्लेन मेरा जो कलर करेक्शन का नोट है वो मेरा कनेक्ट होगा इमेज प्लेन से, लाइक दिस, सॉरी ये लाइक दिस। ओके सो मेरा ये कनेक्ट हुआ, अब मेरा जो ये नोट है ये मैं डालूंगा अपना मस्त 3D में, लाइक दिस। ओके और यहाँ पे मैं इसको व्यू करूँगा टक ठीक है। तो ये मेरा जो है आप देख सकते हो कि मेरा जो प्रॉपर है वो यहाँ पर जो है वो शो हो गया है। ओके सो अभी दिख नहीं इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको वन करूँगा तब ये मेरा मेरे को दिखाएगा। ओके सो ये है ठीक है, सो ये मेरा दिख रहा है पूरा। सो मैं यहाँ पर अपना क्लिक करके टू करूँगा तो मेरा यहाँ दिखा रहा है। ओके सो ये मेरी रेंडर नोट है, जैसे मेरा कि मैंने आपको बताया था रेंडर के टू, ये मेरा रेंडर दिखाएगा। तो अभी ये छोटा है, अभी हम इसको बड़ा करेंगे। सो बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने इमेज प्लेन में जाऊँगा लाइक दिस। ओके और पावर यहाँ पे साइड में जो प्रॉपर्टीज की मेरी जो इंस्पेक्टर है, इसमें जाकर मैं इसमें जो अपना 3D का ऑप्शन है, यहाँ जाकर मैं अपने स्केल को थोड़ा बड़ा करूँगा लाइक दिस ठीक है। बड़ा गया, अभी इतना ही बड़ा हो रहा है, तो मैं यहाँ से सीधा अपना नंबर टाइप करूँगा 18 10 10 इनफ है, अभी मैं 10 डाल देता हूँ। तो मैं 10 डाला। ओके सो मैं यहाँ जूम करके मैं देखने वाला हूँ। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ जाने वाला हूँ। ओके सो जूम आउट थोड़ा सा। ओके और अभी मुझे क्या करना है, इसको रोटेट कराना है मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं इसको फ्लोर बनाऊँगा, तो मैं अपने यहाँ से इसको रोटेट कराऊँगा लाइक दिस। ओके इसको मैंने रोटेट कराया। ओके तो मैं इसको यहाँ से रोटेट कराऊंगा, जैसे कि मैंने ये रोटेट कराया, इससे आगे पीछे कर सकते हो वाई से। ओके सो अभी मुझे ये इनफ नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे जो स्केल है इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा। मैं इसका नंबर दूंगा 20, आई थिंक 20 इनफ रहेगा, 20 में नंबर दूंगा लाइक दिस। तो ये बड़ा हो गया है, मैं सामने देखूंगा लाइक दिस। ओके सो अभी क्या है, अभी मैं इसको थोड़ा सा जो मेरा वाई है उससे मैं थोड़ा इसको मैं छोटा करूंगा जूम करके, कंट्रोल दबा के आप पीछे जूम को करोगे स्क्रॉल को तो डाउन हो जाएगा। मैं इसको जो है मेरा वाई से मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके आऊंगा लाइक दिस। तो मेरा जो फ्लोर है मैं अपने फ्लोर को यहाँ पे सेट करूंगा लाइक दिस, मैंने ठीक किया। तो अभी मुझे लग रहा है कि फ्लोर मेरा सेट तो है, पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लाना चाहूंगा मेरे जेड से, सॉरी मैं अपने एक्स से थोड़ा सा, एक्स से आप साइड में करोगे, वाई से मैं थोड़ा ऊपर लाऊंगा लाइक दिस। ओके सो ये मेरा फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट मैं जो मेरी फ्लोर का मतलब ये कि जो मेरी नीचे का जो एरिया होगा वो मैं प्रॉपर जो है वो सेट कर चुका हूँ ठीक है। मैं थोड़ा और इसको बड़ा करना चाहूँगा ताकि मैं इसको और बड़ा कर सकूँ, तो मैं इसका जो स्केल है वो थोड़ा सा और जो है वो बढ़ाऊँगा, 30 कर लेता हूँ, या 30 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया पर ठीक है। ओके सो ये मेरा जो फ्लोर है, आप यहाँ से भी पिवट पॉइंट आपका, इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हो नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मेरा एरिया है, मैं इसको यहाँ सेट करता हूँ। ओके सो ऑलमोस्ट जो है वो ओके हो चुका है। ओके मैं ऊपर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा नीचे लाइक दिस, हाँ इतना ठीक है। ओके सो ये ठीक है, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सेट कर लेंगे ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए होगा मेरा नेक्स्ट नोट,
माउंटेन, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके पीछे माउंटेन लगाना है तो मुझे माउंटेन चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से अपने माउंटेन को लेता हूँ, मेरा माउंटेन कहाँ था, माउंटेन ये रहा मेरा माउंटेन, मैं इसको साइड में करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से गाइस थोड़ा सा टाइमलाइन को जो है वो, अगर आपको ऐसे नोट में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर वर्क फ्लो पे आपको राइट क्लिक करना है, वर्क फ्लो के लिए टाइमलाइन पे आप यहाँ पे ऑल फोर्स ऑल पिक्चर पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखने लग जाएंगे पिक्चर्स टाइप में सारी चीज़ें, ठीक है। आप ऐसा देखना चाहते हो ऐसा देख सकते हो, पर मैं नहीं देखूंगा, मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसे देखने प्रॉब्लम, यहाँ पे वन पिक्चर मास्क, ये फोर सोर्स टाइटल करोगे तो ये नॉर्मली आप एक देखना चाहते हो या जिस पर वर्क करना चाहते हो वो है। फिलहाल मैं इसको ऐसे रह दूंगा और ऑप्शन में जाके मैं अपनी जो टाइमलाइन है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊंगा। आप ये कर सकते हो, करना है आपको तो, मैं कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है ताकि टाइमलाइन जो वर्क फ्लो वो अच्छा लगे, तो मैं ऑर्गेनिक कर दूंगा इसको, सॉरी हाँ मैं ये कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये मेरे नोट थे, मैंने इसको यहाँ सेट करा, ओके। ये मेरा प्लेन है लाइक दिस, तो मैं इसको यहाँ सेट करता हूँ, ये मेरा एक वर्क फ्लो की टाइमलाइन थी, ये मेरा अलग से मैं इस तरीके से शो कर देता हूँ ताकि मुझे मेरा प्लेन दिखता रहे, और ये यहाँ और ये यहाँ, ओके। सो ये है मेरा प्लेन और ये है मेरा 3D कैमरा, इसका मेरा कोई काम नहीं है तो मैं इसको भी यहाँ साइड में कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ओके। और इन सबको मैं साइड में लेके आ जाता हूँ लाइक दिस, और मेरा जो माउंटेन है मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं जूम कर लूँगा, ठीक है। जूम करने के बाद जो मेरा पॉइंट है ये हो चुका है, नेक्स्ट मेरा माउंटेन है, तो मुझे सेम वही चीज़ करनी है अभी। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं अपना एक और दबा के एक पॉइंट लगाना चाहूँगा, लाइक और दबाऊंगा ये क्लिक, एक पॉइंट बना ताकि मैं इस पॉइंट को एडजस्ट कर सकूँ, ओके। ये मैं गाइस ताकि आपको इजी तरीके से समझ आए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, आपको करना है तो कर सकते हो, डायरेक्ट आप कनेक्शन भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये ताकि आपको दिखे, मैं इस तरीके से इसकी जो फ्लो है वो अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगा ताकि एंड में आपको प्रॉब्लम ना हो जब टाइमलाइन ज़्यादा बड़ी बनाए। सो ये मेरा माउंटेन है, ओके। सो माउंटेन का मेरा जो साइज़ है वो है कुछ ज़्यादा ही है, हाई क्वालिटी है, तो मैं इसको एक रिसाइज नोट ले लेता हूँ, या आप चाहो तो बाद में भी एक रिसाइज नोट लगा के इन सबको रिसाइज कर सकते हो, पर फिलहाल के लिए मैं साथ के साथ लेकर चलूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो जाए, ओके। सो मैं कुछ नहीं करूँगा, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से ही ले लेता हूँ मेरे नोट ताकि जो है वो काम जल्दी से हो जाए, ओके। ये रिसाइज नोट है, मैं इसको कनेक्ट करूँगा लाइक दिस, ओके। ओके मैंने कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक मेरा रिसाइज हो चुका है 90/20/180, ओके। एक कलर करेक्शन नोट है गाइज, ये बाद में भी हम लगा सकते हैं पर फिलहाल मैं अभी लगाते हैं, तो लगा के चलता हूँ, इसका रोल हम बाद में जब कलर करेक्शन करेंगे तो यूज में आएगा, ओके। अब मुझे चाहिए होगा इमेज प्लेन, इमेज प्लेन जैसे कि मैंने बताया हम और तरीके से भी इसमें यूज कर सकते हैं, हम 3D शेप भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं सीन को क्रिएट करने के लिए इस तरीके से, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैं ये जो मेरा सॉरी मैंने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ले लिया कलर करेक्शन के लिए, मैं कलर करेक्शन नोट लूंगा और ये मेरा कनेक्ट करूंगा, और ये मेरा जो मेरा माउंटेन है ये मेरा कनेक्ट होगा इमेज प्लेन से लाइक दिस, ओके। सॉरी ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा इससे, ओके। तो ये कनेक्ट हो गया, अब मेरा इमेज प्लेन जो है वो मेरा जाएगा, वो मेरा जाने वाला है 3D मर्ज में लाइक दिस, ये जो मेरा मर्ज है यहाँ जाएगा, मैं डायरेक्ट लेके इसको यहाँ कनेक्ट कर दूंगा लाइक दिस, ओके। सो ये कनेक्ट हो गया, तो ये देखा आपने यहाँ आ चुका है, आने के बाद मैं इसको 3D को अपने यहाँ शो कराऊंगा ताकि मेरा 3D जो एंगल है वो शो, ओके। सो यहाँ पर मैं ऑल दबा के एक सीन बना लेता हूँ ताकि मैं इसको एडजस्ट कर दूँ लाइक दिस, ओके। सो ये इतना आपको समझ में आया। सो अभी क्या करना है, अभी मुझे मेरा जो माउंटेन है मैं इसको जूम करता हूँ, हम यहाँ वर्क करेंगे, वहाँ ऑटोमेटिकली हमारा एरिया जो है हो जाएगा। सो मैं अभी जो मेरा इमेज प्लेन है मतलब कि ये रहा, ओके। सो इमेज प्लेन को मैं स्केल जो है उसको बड़ा करूँगा लाइक दिस, ओके ओके। स्केल बड़ा किया, आई थिंक मैं कर लेता हूँ इसका 15 अप्रॉक्स, 15 ओके रहेगा या ओके। अभी मैं जेड से ऊपर करूँगा इसको, सॉरी वाई से मैं ऊपर करूँगा लाइक दिस, ओके। सो मैं इसको यहाँ लगा दूंगा लाइक दिस, ओके। सो मैं अपने यहाँ अपने चेक करूँगा कि इसका जो क्या फील है, ओके है, थोड़ा पीछे करना चाहूँगा, जेड से पीछे कर सकते हो लाइक दिस, और लास्ट पोजीशन पे आप इसको अपना जो है वो सेट कर दोगे लाइक दिस, ओके। सो आई थिंक इतना ठीक है, थोड़ा मैं इसको छोटा करना चाहूँगा, मैं देख लेता हूँ और दबा के,
आई थिंक ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, हल्का सा थोड़ा पीछे की तरफ करके, लाइक दिस, ओके आई थिंक इतना ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाद में ठीक कर लूँगा, ओके। सो अभी इतना ठीक है, फिलहाल भी फिट है, ओके। यहाँ मेरा स्काई रिप्लेस होगा पीछे इस एरिया पे, ओके। सो ये मेरा देखा, ये और मैंने 3D सीन अपना जो है वो क्रिएट किया है, मेरा जो ये फ्लोर लगा है, ये मेरा जो माउंटेन लगा है। तो चलो अभी मैं अगला नेक्स्ट अपना करता हूँ, इसके पीछे मैं स्काई लगाता हूँ। तो गाइस स्काई के लिए क्या है, स्काई मेरा जो यहाँ पर था, मेरा जो नोट था, ये रहा मेरा नोट था स्काई का, मैं इसको ले हूँ। पर स्काई का लगाने का तरीका गाइस दूसरा है, आप डायरेक्ट इस तरीके से लगा भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम दूसरे तरीके से करेंगे, आप डायरेक्ट इमेज पे लेंगे पर हम दूसरे तरीके से करना चाहेंगे। तो स्काई के लिए मुझे चाहिए होगा एक 3D शेप, ओके। तो 3D शेप क्या है गाइस, इससे हम इस स्काई की शेप बनाएंगे कि किस तरीके से हमें स्काई जो है हमारा वो पूरा बैकग्राउंड पे जो है वो रहे, ओके। तो यहाँ से मैं एक 3D शेप नोट लूंगा लाइक दिस, ओके। अब 3D शेप को मैं यहाँ पे इसको अपने 2 व्यू फाइंडर में दिखवाऊंगा, मतलब कि 2 दबा के यहाँ मैं देखूंगा, ओके। तो मेरा ये 3D शेप है, अभी ये क्या है, ये प्लेन वे में है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा यहाँ से 3D में यहाँ पे प्लेन को मैं करूँगा स्पेयर लाइक दिस, तो ये सर्कल टाइप में आएगा, ओके। थोड़ा सा मैं इसका स्केल जो है यहाँ से स्केल में इसका बढ़ा दूंगा लाइक दिस, थोड़ा जूम आउट करूंगा, या अब मैं इसको थोड़ा सा जो है इसकी एंगल को है जो काटूंगा, मतलब कि मैं आगे से इसका एंगल काटूंगा और थोड़ा सा मैं इसका पीछे से एंगल काटूंगा, थोड़ा सा मैं इसका लैटिट्यूड जो है इसको नीचे से काटूंगा लाइक दिस, थोड़ा सा मैं इसका पीछे से काटूंगा लाइक ऊपर से लाइक दिस, ओके। तो ये मेरा जो है, अब मैं इसको ये इस तरीके से जो है वो टर्न कर दूंगा यहाँ से अपने वाई से इसको ऐसे टर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो है वो रेडी हो चुका है, ओके स्काई। अब मुझे ये अपना 3D है, मतलब 3D में इसको दिखवाना है, क्योंकि अभी तो ये मैंने इसके जो है सेट किया है, तो मैं इसको अपने कनेक्ट करूंगा अपने 3D मर्ज में। गाइस 3D मर्ज हमारा कितनी भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर आप कराना चाहो तो। ये मतलब हम एक सीन को ये काफ़ी टाइम से जो है वो ले सकता है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कनेक्ट करा दिया, ओके। यहाँ मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, ताकि ये गाइस आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ताकि टाइमलाइन अच्छी रहे। तो मैं इसके लिए यहाँ पे लगा के चलता हूँ लाइक दिस, और ये मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ। ये मेरा 3D शेप है, मैं अलग से इसको रखूंगा ताकि आपको समझ में आए, ओके। सो ये मैं लगा दिया, अभी क्या है, ये मैंने कनेक्ट कराया है, अब मेरी जो पाइपलाइन है ये मैंने पूरी पाइपलाइन कनेक्ट करी 3D मर्ज में। तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये जो है वो आ चुका है, ओके ये रहा। तो अभी क्या है, मुझे इसको थोड़ा पीछे लेना है, ओके। पीछे लेने के लिए मैं अपने 3D मर्ज पे क्लिक करूंगा और अपने 3D शेप में जाके 3D मर्ज पे क्लिक करा तो ये दिख रहा है मुझे पूरा, ओके। 3D शेप में जाऊंगा, सॉरी 3D शेप से मैं इसको जेड करके पीछे की तरफ मूव करूंगा लाइक दिस, ओके। अब मैं इसके स्केल को थोड़ा बड़ा करूंगा लाइक दिस, ओके। तो मैं अपने पीछे की तरफ देखूंगा यहाँ पे मेरे 3D सीन में, ओके। स्केल मैं थोड़ा सा इसको साइड में करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस तरफ लग रहा है लाइक दिस, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ या। तो अभी क्या है, स्केल मैं इसका और बढ़ाऊंगा, मैं इसका स्केल 10 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, या 10 आई थिंक ठीक रहेगा। मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा पास ले आता हूँ मेरे स्काई को, सॉरी टर्न किया, मेरे को अपने जेट से थोड़ा पास लाना है स्काई को लाइक दिस, ओके। सो अभी मैं थोड़ा और साइज बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो, 15 कर देता हूँ ताकि ऑलमोस्ट जो है वो मेरा स्काई जो है वो अच्छे तरीके से रिप्लेस हो, अभी मेरे को ठीक लग रहा है, ओके। तो ये मेरा प्रॉपर एक बेस्ट तरीके से बना है जो मुझे लग रहा है कि हाँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेता हूँ ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, हल्का सा, ओके। सो अभी क्या है, अभी मैं अपने रेंडर में जाता हूँ, ओके, जहाँ मेरा रेंडर था। रेंडर में क्या, मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। सो रेंडर का आउटपुट हम बाद में देख लेंगे। तो ये मेरा स्काई जो है वो लग चुका है, ओके। तो आप देख सकते हो पूरा 3D में, ओके। सो अभी क्या है, अभी जो मेरा ये था, मेरा जो स्काई था, मतलब कि ये था, इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। मेरा जो स्काई है वो यहाँ चुका है। अब मेरा जो स्काई है, मैं इसको शिफ्ट दबा के यहाँ पे प्लेस कर दूंगा लाइक दिस, शिफ्ट दबा के, सॉरी मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ फिलहाल, ओके। आप शिफ्ट दबा के प्लेस कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। मैंने ये कनेक्ट कर दिया, अब मेरा जो स्काई था, मतलब कि जो मेरा 3D शेप था वो कनेक्ट हो गया। अब
मेरा जो स्काई था वो मैंने 3D शेप में कनेक्ट कर दिया है। अब मेरा जो 3D शेप है वो मैं कनेक्ट करूँगा अपना नीचे, कि मेरा जो ये है पॉइंट, मेरा 3D जो मर्ज है मैं इसमें कनेक्ट कर दिया। ओके सो ये कनेक्ट हो गया, क्योंकि पहले जो हमने वो सॉरी मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो पॉइंट दे रखा था वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा। ओके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कनेक्ट तो हो गया है मेरा ये। ठीक है, ये कनेक्शन आप बनाने के लिए है। अगर कनेक्शन आप बना लेते, बीच में मैंने पहले इसको कनेक्शन दे दिया था लाइन को, तो यहीं से वो मेरा कनेक्शन रहेगा, उसमें ना जोड़ के मैं इसमें जोड़ूँ। ओके सो आप देख सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, चलते हैं आगे। सो ये मेरा स्काई है, इसको मैं ऊपर साइड में कर देता हूँ लाइक दिस। ओके सो ये मेरा जो है पूरा जो है 3D सीन मैं कन्वर्ट हो गया। ओके तो मेरा जो है ये लग चुका है, आप देख सकते हो। ओके सो अभी मैं इसको देखता हूँ अपने रेंडर में, फाइनल आउटपुट जो मेरा रेंडर है कहाँ गया। ये मेरा रेंडर था, रेंडर मैं और दूर करता हूँ। ओके ये मेरा रेंडर था, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ। ओके ये मेरा रेंडर था, अब रेंडर पर मैं 2 क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर दिखेगा। ओके तो देखा मेरा जो स्काई था वो किस तरीके से जो है रिप्लेस हो गया है। तो अभी मैं अपने स्काई को फिट करूँगा जितना मुझे चाहिए। ओके सो मैं अपने जाऊँगा 3D शेप में लाइक दिस, और थोड़ा जो है बड़ा करूँगा। गाइस एक डिस्प्ले में यही प्रॉब्लम होता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है बार बार, तो पर आपको दिखाने के लिए तो एक पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं अपने जेट से इसको थोड़ा पीछे करूँगा अपने स्काई को लाइक दिस, जितना मुझे अब चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओके लाइक दिस, थोड़ा सा मैं इसमें वाई से ऊपर करूँगा लाइक दिस। ओके तो ऑलमोस्ट जो है मैं अपने यहाँ देखता हूँ, या मेरा स्काई जो है वो ऑटोमेटिक फिट हो चुका है, एकदम ऑसम लग रहा है। सो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, ये मेरा जो माउंटेन था। ओके सो ये मेरा प्रॉपर जो है वो लग चुका है। ओके मैं गया अपने 3D मर्ज पे अब लाइक दिस। ओके सो आप देख सकते हो कि जो है ऑटोमेटिक मेरा जो है पूरा जो है वो 3D सीन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो अभी क्या है, अभी मेरा पूरा 3D सीन क्रिएट हुआ है। मैंने अपना नीचे का फ्लोर लगा लिया, स्काई लगा लिया। मेरे को लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा जो फ्लोर है वो नीचे होना चाहिए थोड़ा सा। सो मैं देखता हूँ मेरे फ्लोर को, मेरा जो फर्स्ट था लाइक फ्लोर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके देखता हूँ, अगर गुंजाइश है तो मैं करता हूँ। ओके फ्लोर पे सॉरी मैं क्लिक करूँगा इमेज प्लेन पे अपने लाइक दिस। ओके सो इमेज प्लेन पे मैं क्लिक करके अपने जो सॉरी कंट्रोल जेड थोड़ा नीचे की तरफ लाइक दिस। ओके मैं जूम करके देखता हूँ, हाँ बिल्कुल देखो फिटेड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके की रिपोर्ट है। ठीक, तो अभी क्या है, मैं अपने मर्ज में जाता हूँ लाइक दिस, और मैं अपने मर्ज पे गया। ओके सो अभी क्या है, अभी मुझे लगाना है मेरा जो स्टोन फ्लोवर था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 3D सीन है, हम फिलहाल 3D सीन पे देखते हैं, यहाँ मुझे एक स्टोन लगाना है जो मैं चाहता था। फिलहाल मैं पीछे का एरिया स्टोन एक यहाँ पर मुझे एक ट्री लगाना है एक स्टोन पर, मैं फिलहाल यहाँ पर अपना आगे का एरिया को ठीक करना चाहूँगा ताकि मेरा आगे का एरिया जो है वो कवर हो। ओके सो मैं स्टोन फ्लोवर लेना चाहूँगा जो मेरा था, जो मैंने पहले नाम दिया था, ये रहा लाइक दिस, ये रहा स्टोन फ्लोवर। मैं 1 क्लिक करके 2 क्लिक करके देखना चाहूँगा लाइक दिस। ओके मैं इसको साइड में लेके आऊँगा, टाइमलाइन को जूम करूँगा, आउट करूँगा, और मैं यहाँ इसको लगाऊंगा। ओके सो यहाँ इसको मैं लगाने के लिए सेम वही है, क्योंकि ये भी मेरा जो है वो सही उसमें नहीं है रिसाइज में, तो मैं यहाँ से एक रिसाइज का नोट ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ गाइस ताकि आप इस तरीके से कर सको। रिसाइज का नोट हम डायरेक्ट एंड में भी लगा के इसको सबको रिसाइज कर सकते हैं। ओके सो एक मैं कलर करेक्शन नोट लगा देता हूँ, ठीक है लाइक दिस, और एक मैं लगा देता हूँ इमेज प्लेन, ताकि ये जो मेरा है पूरा 3D सीन में जाए, क्योंकि हम एक ही सीन में ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। आप सर कितनी भी चीज़ें लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी लगा सकते हो। ठीक है, सो यही एक जो है चीज़ें हमें जितनी लगानी है उतनी हम क्रिएट कर सकते हैं, जितने आप लगाना चाहो। ठीक है, सो ये मेरा इमेज प्लेन है। ओके सो अभी मुझे क्या करना है कि ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके पर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है आपको जो प्रॉपर तरीके से जो आपको समझ में आए। ओके लाइक दिस। ओके तो अभी क्या है, मेरा जो है अब मेरा जो ये इमेज प्लेन, ओके ये मैं कनेक्ट करूंगा अपने 3D मर्ज से लाइक दिस। ओके कनेक्ट हो गया। ओके एक कनेक्शन यहां पर। ओके सो ताकि आपको जब एंड में जब पूरी टाइमलाइन बने ये काफी बड़ी बन जाएगी तो आपको दिखे अच्छे तरीके से। सो अभी मेरे को 3D मर्ज में
यहाँ पे शो कराना है, कर रहा है शो, ओके। सो मैं अपना रेंडर है, मेरा जो रेंडर है, रेंडर पे मैं टू क्लिक कर दूंगा लाइक दिस। तो ये मेरा स्टोन जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, ये रहा स्टोन, ओके। सो अभी मुझे क्या करना है, मैं अपने 3D सीन को थोड़ा सा यहाँ लेके आता हूँ लाइक दिस। ये रहा मेरा स्टोन, आप देख सकते हो, ओके। सो मुझे अभी अपने इमेज प्लेन पे क्लिक करना होगा, जो मेरा इमेज प्लेन था ये रहा नीचे, ओके। तो अभी मैंने अपने इमेज प्लेन पे क्लिक करा, गाइस आप चाहो तो यहाँ से भी पकड़ के इसको आगे की तरफ ला सकते हो, ठीक है, आगे पीछे आप ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर मैं डायरेक्ट यहाँ से लेके आ जाऊँगा आगे, अपना मेरे को आगे लेके आना है। तो मैं आगे लाया, मैं थोड़ा सा इसका स्केल बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा वाई से लाइक दिस, ओके। थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके आऊँगा जेड से लाइक दिस, और मैं थोड़ा सा इसको अपने एक्स से साइड में करूँगा लाइक दिस, ओके। थोड़ा सा इसका और स्केल बड़ा कर देता हूँ, पूरा ही कर देता हूँ ताकि मेरे को बढ़िया लगे थोड़ा सा स्केल। अब मैं थोड़ा नीचे कर लूँगा इसको लाइक दिस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको वाई से नीचे थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ लाइक दिस, थोड़ा सा वाई से इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। तो ये मेरा एक जो है मैंने स्टोन लगा लिया है, ठीक है। तो मैं अपना 3D सीन में देखता हूँ, या तो मेरा ये स्टोन था जो मैंने लगा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। सो अभी ये मेरा लग चुका है, ओके। सो अभी नेक्स्ट मैं लगाने वाला हूँ अपना ट्री। मैं चाहूँगी यहाँ पर मेरा जो है एक लुक बने, जब मैं कैमरे का एक एंगल दूंगा, मतलब ये जो मेरा कैमरा है इसको मैं आगे मोशन दूंगा, तो जब एक स्लाइडर शॉट जैसे बनते हैं ना इस तरीके से, मतलब कि आगे से पीछे की तरफ जो शॉट आता है तो एक लुक आती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा एक ट्री, जो मैंने अलग से जो पत्ती जो थी आप बोल सकते हो वो मैंने रखी थी, ग्रास फ्लावर है, ट्री है, ये कौन सा ट्री है मैं देख लेता हूँ, या ये मेरा ट्री है। तो मैं इसको बिल्कुल, ये मैंने इसलिए निकाल के रखा था क्योंकि मैं इसको साइड से लगाना चाहता हूँ, मुझे इस तरह का कोई रोल नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल साइड से ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल ऊपर लेकर जाता हूँ इसको, मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ये वर्क फ्लो है जो वो अच्छे से दिखे, ओके। सो ये ट्री है, साइज क्या है इसका देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं अलग से जाके, गाइस कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो आप इसको अलग से क्लिक करना, और आपने इसके ऊपर कर दिया तो इसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये सी साइज हो चुका है, या 90/20/180 देखा, पहले बड़ा था छोटा हो गया। कंट्रोल सी कलर करेक्शन, कंट्रोल वी क्योंकि हम बाद में कलर करेक्शन करेंगे, हर पर्टिकुलर पार्ट पर कलर करेक्शन करेंगे और तभी अच्छा रहता है, ओके। सो ये मेरा हो गया है, ठीक है। तो अभी जो है ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक इमेज प्लेन क्रिएट करना है, ओके। सो इमेज प्लेन के लिए मैं यहाँ पर ये मेरा जो एक इमेज प्लेन चाहिए होगा, मैं इसको पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा, एक इमेज प्लेन ताकि मैं अपने 3D सीन में इसको डाल सकूँ लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ लाइक दिस, ओके, ताकि आपको पूरा क्लियर होता रहे, ओके। रिसाइज कलर करेक्शन नोट इमेज प्लेन, ओके, इमेज प्लेन मेरा यहाँ गया लाइक दिस, ठीक है। इस लाइन में सारे अपने इमेज प्लेन लगा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ओके, आपको इजी तरीके से जो है वो चीज़ें समझ में आए, ओके। तो ये मेरा इमेज प्लेन, ओके। अभी क्या है, मेरा जो इमेज प्लेन है वो मेरा कनेक्ट होगा यहाँ पर इससे लाइक दिस, ओके, कनेक्ट हुआ लुक, ओके। यहाँ पर मैं अलग अलग आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा कि कौन सी पाइपलाइन कहाँ से आ रही है, ओके। सो अभी क्या है, मुझे अपने 3D मर्ज में दिखवाना है, मतलब कि वन क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ओके। ऑलमोस्ट मेरा इमेज प्लेन कनेक्टेड, या 3D, अब मेरे को अपने रेंडर पे मेरे को देखना, या मेरा जो है वो रेंडर पे आ चुका है। तो मैं अपने इमेज प्लेन पे जाऊँगा लाइक दिस, ओके, अब मैं इसको नीचे करूँगा, ओके। सो मेरा ये जो है 3D सीन के अंदर आ चुका है मेरा जो है, मैं यहाँ से इसका जो है स्केल थोड़ा सा बड़ा करने हुआ ताकि थोड़ा और अच्छा मिले लाइक दिस, ओके। स्केल मैं इसका 10 करूँगा, इस पर मुझे पता है 10 चाहिए होगा, बड़ा कर दिया, ओके। सो अभी मैं इसको यहाँ से पकड़ के आगे लेके आ जाऊँगा, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ से भी आगे ला सकता हूँ लाइक दिस, ओके। सो मैं आगे लेके आ गया, अभी मैं इसको अपने जो कैमरा है, ताकि मेरा जो कैमरा है जब वो जाएगा इस तरीके से आगे, या ये मेरा कैमरा जाएगा,
इसको मैं थोड़ा नीचे करूंगा और इसको मैं थोड़ा ऊपर करूंगा, लाइक दिस, इतना रख लेता हूं मैं, ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा साइड में करूंगा, लाइक दिस, ओके, इतना मुझे ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसमें देखता हूँ, या कैमरा भी मेरा ऑलमोस्ट ओके है, या सो अभी मुझे थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा मैं 12 कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा होगा, 12, ओके, क्योंकि ये जो एरिया था यहाँ पर नहीं आ रहा था, ये थोड़ा एक फ्लो बनेगा ना जब हम कैमरे को मोशन देंगे तो एक लुक बनेगा, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, बाद में हम इसको, अगर हमें लगा ना बाद में कोई दिक्कत है या एडजस्टमेंट है तो हम इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैं इतना कर लेता हूँ इसको, क्योंकि वहाँ मैं और भी जो ट्रीज हैं वो इन कनेक्ट करूँगा, थोड़ा पिक्सल लो आ रहा हूँ, मैंने क्वालिटी लो कर रखी है थोड़ी सी, ताकि जो है आपको बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो, करते टाइम प्रॉब्लम ना हो, रेजोल्यूशन में थोड़ा सा कम कर, इतना ठीक है, कोई दिक्कत लगी तो बाद में कर लेंगे, ओके। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, लाइक दिस, ओके। सो ये देखा, ये मेरा पूरा 3D सीन में लग गया है, ये मेरा स्टोन है, ये मेरा ग्रास है, जो मेरी ये है, ओके। अभी ये ओके हो चुका है, यहाँ से भी ठीक है, ओके, पूरा सीन क्रिएट है, ओके। सो अभी मैं इसको ऊपर करूँगा, नेक्स्ट मुझे चाहिए होगा एक स्टोन, मतलब कि मुझे फिर से एक स्टोन चाहिए होगा, जो मेरा दूसरे वाला स्टोन था, कहाँ गया, या ये रहा। सो ये अब मेरा स्टोन है, ये रहा PNG स्टोन, लाइक ये। सो मैं इस स्टोन को यहाँ पर करूँगा, स्टोन का साइज में देखता हूँ क्या है, ओके, फिलहाल तो ये ओके साइज है, स्टोन मेरे को थोड़ी सी जगह पे ही छोटा करके लगाना है, पर फिर भी इसको मैं बड़ा कर ही लेता हूँ, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना, सॉरी, Ctrl C, Ctrl V, ओके, कनेक्टेड, यहाँ पर लगाया, यहाँ लगाया, ओके, कलर करेक्शन नोड यहाँ पर, ओके, Ctrl C, रीसाइज यहाँ लगा देता हूँ, रीसाइज नीचे लग रहे हैं, रीसाइज नीचे है, ओके, ये दोनों यहाँ पर है, ओके, लाइक दिस, ओके। सो कलर करेक्शन नोट Ctrl C, Ctrl V, अभी हम Ctrl C, Ctrl V इसलिए करें क्योंकि हमारे कलर करेक्शन नोट पे कुछ कलर वाला हमने नहीं किए हुए हैं, तो सारे ही अभी खाली पड़े हैं, किसी में भी कोई कलर नहीं हो रखा, ठीक है। सो अभी क्या है गाइज, अभी मैं कनेक्ट करूँगा इसको अपने इमेज प्लेन से। सो इमेज प्लेन में अपना एक लेता हूँ, लाइक दिस, ओके, और इमेज प्लेन को मैं अपने यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। अभी ये मेरा कनेक्ट हुआ इमेज प्लेन, अब मुझे कनेक्शन देना है अपना नीचे, ओके, मतलब कि मेन जो मेरा 3D सीन था, जो मेन मैं यहाँ पे काम कर रहा था वर्क फ्लो पे, लाइक दिस, ओके। सो क्रिएट हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इसको लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस और लाइक दिस, ताकि आपको समझ में आए, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, ओके, एग्जैक्टली पूरा क्लियर होना चाहिए। सो ये जो सीन है, ओके, जो सीन है वो प्रॉपर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी मेरे जो मेरा स्टोन है वो मैं अभी आपको नीचे करके दिखाता हूँ, मैं 3D मर्ज को यहाँ ड्रैग कर देता हूँ ताकि मेरा जो सीन है पूरा आ जाए, और मैं आप गाइस डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हो, 1 and 2 भी दबा सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो स्टोन है वो तो आप देख सकते हो, ये रहा, ये आ चुका है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेकर आऊँगा, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये यहाँ था, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये रहा, ओके, तो मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी मैं इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा करूँगा। सो इसका स्केल बड़ा करने के लिए मुझे इमेज प्लेन में जाना होगा, मैं वहीं पर हूँ, ओके। सो मैं इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लाइक दिस, ओके, इतना ठीक है, देख लेते हैं, ओके। थोड़ा टर्न करूँगा, जूम करूँगा, ये है, ओके। अब यहाँ से मैं इसका कंट्रोल करता हूँ, ओके, थोड़ा सा आगे, लाइक दिस, थोड़ा स्केल छोटा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इतना ठीक है, ओके, इतना ठीक है। इसको नीचे ले लेता हूँ, लाइक दिस, ओके, थोड़ा सा मैं अपने फ्लो में थोड़ा सा नीचे देखता हूँ इसको, या ये है, या तो ये देखा आपने, थोड़ा सा ये ना नीचे, जैसे मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये ना नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा वो नीचे से हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि जो है वो पूरा क्लियर हो, ये रहा, ओके,
देखिएगा, तो इसको थोड़ा सा ना नीचे की तरफ रखना, ताकि जो है आप देख सकते हो नीचे पूरा करूंगा तो नीचे वहां यहाँ पर आप पावर विंडो में, तो ये नीचे ऊपर भी हो रहा है। ओके, सो इसको थोड़ा नीचे रखेंगे ताकि ये हमें ना पूरा फ्लोर में ही लगा रहे। ओके, लाइक दिस। ओके, तो आई थिंक इतना मुझे ठीक लग रहा है। ओके, हाँ इतना ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ थोड़ा मैं स्केल छोटा कर लेता हूँ, लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसे पीछे की तरफ कर लेता हूँ, लाइक दिस। ओके, क्योंकि मैं वहां पर एक ट्री भी लगाऊंगा, थोड़ा साइड में, थोड़ा इस तरफ, लाइक दिस। ओके, सो ये लग चुका है, या ऊपर ये रहा। ओके, सो ओके, तो ये लग चुका है, ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है, तो बाद में देख लेंगे कोई प्रॉब्लम है। तो ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी मैं इसमें क्रिएट करने वाला हूँ एक ट्री। सो वेयर इज माई ट्री, यहाँ मेरा एक ट्री था, ट्री ट्री ट्री, ये लाइक दिस। ओके, ये ट्री मैं ले लेता हूँ साइड में, मैं फटाफट से इसको रिसाइज, पहले इसमें साइज देख लेता हूँ उसका क्या है, लाइक दिस। 90 20 20, इसका साइज बड़ा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कनेक्टेड, अपर, ऊपर कर देते हैं, दोनों को पकड़ के ऊपर कर लेते हैं। ओके, ट्री को साइड में कर लेते हैं, कलर करेक्शन नो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, यहाँ कनेक्टेड, इसका बाद में काम आएगा कलर करेक्शन का, जैसे मैंने आपको बताया है, लाइक दिस। ओके गाइस, इमेज पे इनको कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना पड़ेगा, अलग से ही ले लेना आप इसको, क्योंकि वो उस एंगल से सेट है, क्योंकि वहाँ पे हमने उसकी सेटिंग्स लगा रखी है ना, आपने देखा था यहाँ पे किसी का स्केल कम है किसी का ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल भी कंट्रोल सी नहीं कर रहे इमेज प्लेन को, क्योंकि किसी किसी का एंगल जो है वो ज़्यादा कर रखा है, किसी का स्केल कितना है, किसी का कुछ क्या है, तो उस साइज से मैटर करता है, क्योंकि उसमें ही मेन कनेक्ट करेंगे अपने 3D मर्ज से। ऑल्ट दबा के इस पर माउस का राइट क्लिक करेंगे तो एक लूप क्रिएट होगा ये कनेक्शन का, ठीक है। तो ये है। ओके, सो अभी क्या है, ये कनेक्शन जो है वो बन चुके हैं प्रॉपर ये। ओके, सो ये है। ओके, यहाँ पर सो अभी क्या है, अभी मुझे जो है वो 3D मर्ज में, मेरा 3D मर्ज मुझे शो कराना है, तो लाइक दिस मैं इसको ऊपर करके डाल दूंगा, यहाँ पर मेरा 3D सीन आ गया है। सो जूम करूंगा लाइक दिस, तो ये मेरा ट्री है, आप देख सकते हो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आपको, पता नहीं दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये मेरा ट्री है, पर अभी ये यहाँ पर भी देखो कहाँ पर है, मतलब अलग पोजीशन है, तो अभी इसकी पोजीशन देंगे। सो गो टू द इमेज प्लेन, मैं इमेज प्लेन में जाऊँगा अपने लास्ट वाले में, ठीक है, और नीचे थोड़ा जूम। ओके, सो मैं यहाँ से कनेक्शन करता हूँ इस बार, थोड़ा इसको आगे की तरफ लेके आता हूँ फिलहाल मैं, लाइक यहाँ पे लेके आ गया मैं इसको आगे, ठीक है, थोड़ा सा साइड में मैं इसको यहाँ प्लेस करना चाहूँगा, मेरा जो पत्थर है इसके साइड में यहाँ पे प्लेस करता हूँ यहाँ। ओके, थोड़ा स्केल में देख लेता हूँ, आई थिंक इतना ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इतना ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ गाइस, मुझे थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा और पीछे हो, सॉरी रोटेट कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड, पत्थर से मेरा पीछे हो लाइक दिस, थोड़ा सा मैं एक्स नीचे करूँगा। ओके, और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ इसको लेकर आऊँगा लाइक दिस। ओके, सो अभी प्लेस हो चुका है, ऑलमोस्ट जो है वो प्लेस है लाइक दिस, मैं थोड़ा पीछे की तरफ करूँगा, या तो देखा कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा मैं पीछे इसको करना चाहूँगा लाइक दिस, थोड़ा सा साइड में करना चाहूँगा इसको, सॉरी कंट्रोल जेड, और थोड़ा सा एक्स से मैं इसको साइड में करूँगा ताकि जो है ना वो पीछे की तरफ ही लगे। सो मैं अपना यहाँ पर भी देखता हूँ ये कहाँ पर है। ओके, सो कंट्रोल ऑल, ये मेरा ट्री है। ओके, सो ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके की तरफ लेके आऊँगा लाइक दिस। ओके, थोड़ा पीछे करता हूँ थोड़ा साइड में, क्योंकि वो काफ़ी दूर है तो इसलिए मैं इसको पीछे ही लगाएगा। ओके, ताकि वो लगे कि पीछे हाँ कोई ट्री है। ओके, इसको मैं यहाँ फिट कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, सो अगर यहाँ कर देते हैं यहाँ अच्छा लगा। ओके, सो कंट्रोल दबा के थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पर है, या थोड़ा सा सीन्स आउट है, थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ, या थोड़ा सा मैं इसको आगे ले लेता हूँ कंट्रोल जेड से लाइक दिस। सो या
या थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पर है। हाँ थोड़ा सा मैं और आगे इसको लेना चाहूँगा, थोड़ा सा सॉरी ये लाइक दिस। हाँ अभी ठीक है, ओके बहुत दूर है, ओके है। थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको, थोड़ा सा लाइक इसको इतना अंदर डाल देता हूँ मैं इसको लाइक दिस, ओके हाँ इतना डाल देता हूँ ताकि वो फ्लोर पे भी होगा। ओके सो ये मेरा सेट है, ऑलमोस्ट ये मेरा यहाँ सेट है और ओरिजिनल मेरा यहाँ, ठीक है। ओके अगर और भी एक दो करना चाहते हो तो यहाँ पीछे पीछे कर सकते हो, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, मतलब कि सेम आप वो टाइम बना के और भी यहाँ पे सीन्स अगर लगाना चाहते हो, पर फिलहाल मेरे लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी मुझे नेक्स्ट ये होगा मेरा स्टोन, ठीक है फिर से। तो मैं ये जो मेरा था स्टोन फ्लावर लाइक दिस मेरा जो ये था, इसको बंद करके देखता हूँ, या कंट्रोल सी मैं इसको फ्लावर को दोबारा रिसाइज को और कलर करेक्शन अपने तीन नोट को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ओके ये तीनों पे क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया हुआ तो इसलिए यही काम आ जाएंगे मेरे लिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक इमेज प्लेन चाहिए होगा कनेक्टेड करने के लिए, यहाँ इमेज प्लेन लगाऊंगा और इमेज प्लेन को मैं अपना यहाँ कनेक्ट करूंगा लाइक दिस, थोड़ा पीछे लाइक दिस, थोड़ा यहाँ पर, ओके। और इसको मैं कनेक्शन देता हूँ अपने मर्ज 3D में, क्योंकि फाइनल मेरा जो 3D सीन है वहाँ पर हैं सारे लाइक दिस। और दबा के एक बार क्लिक करता हूँ लाइक दिस, क्रिएट हुआ और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, ओके ताकि आपको कनेक्शन दिखे, ओके। सो ये मेरा जो है वर्क फ्लो है कुछ इस तरीके से है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे बन रहा है। फिलहाल मैं अपने स्टोन को देखता हूँ जो मेरा फाइनल आया है लाइक दिस। ये मेरा स्टोन है अभी तो ये हवा में है पूरा, ओके। तो मैं इसको सेट करता हूँ, थोड़ा सा हैंग का प्रॉब्लम, हैंग का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं हम दूसरे तरीके से काम कर लेंगे। ये मेरा 3D सीन को क्रिएट कराया, तो ये मेरा 3D सीन है, ये मेरा स्टोन है। सो मैं इसको थोड़ा सा सॉरी आपको कैमरा लॉक करके रखना है गाइज, पता चला आपने कैमरा ही छेड़ दिया, ओके। सो कैमरा नहीं छेड़ना आपको जो कुछ भी हो जाए, ओके। स्क्रॉल आउट नीचे की तरफ, थोड़ा सा जूम आउट, या ठीक है, ओके। सो इसको पीछे की तरफ थोड़ा नीचे, थोड़ा जूम, ठीक है। और मेरा जो स्टोन था वो ये है, ओके। सो वो अभी क्या है, मैं एक बार आउट करना चाहूँगा, या ओके ये मेरा कैमरा है, ओके। इमेज प्लेन पर क्लिक करना है क्योंकि वहीं से साइज चेंज होगा, ओके। सो ये रेड रेड आपको लाइन भी इसके साथ दिख जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, ओके। सो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है यहाँ पर। सो गाइज अभी मैं इसका इस तरह स्केल बड़ा करता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा स्केल बड़ा होना चाहिए इसका लाइक दिस। थोड़ा मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखे मेरा पूरा फाइनल व्यू क्या है। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा स्केल छोटा, थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा स्केल और छोटा, थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा साइड से नीचे की तरफ, या लाइक दिस, ओके। थोड़ा इसको साइड में कर लेता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, इतना मेरे को लग रहा है ठीक रहेगा। या थोड़ा सा अगर मुझे यहाँ भी लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, थोड़ा सा यहीं लगा देता हूँ, यहाँ थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा एक लगना चाहिए कि रियलिस्टिक है, ओके। सो ये है मेरा, मैं देखता हूँ 3D सीन में, थोड़ा कंट्रोल दबा के थोड़ा आउट, और ये थोड़ा मोड़ूंगा इस तरफ से, आप ऑल्ट दबा के फिर मोड़ सकते हो। फिलहाल मैं अपने जहाँ मेरा वो सीन है लाइक दिस, सो मैं यहाँ इसको देखना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा देखना चाहूँगा कि इसका क्या फ्लो है। तो देख सकते हो आप अभी ये पूरा नहीं हुआ है सेट, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेता हूँ लाइक दिस। पहले मैं इसे नीचे ले लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या जो है वो फील है। इसको नीचे ले लेता हूँ लाइक दिस, और दबा के थोड़ा साइड में, या तो मैं इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ लाइक दिस, ओके। थोड़ा नीचे की तरफ देखूंगा, या तो आप देख सकते हो कि जो है मेरा जो स्टोन है ये, इसका मुझे कोई यूज़ नहीं है नीचे वाले का, इसलिए मैंने इसे पूरा नीचे कर दिया है, ओके। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा मैं इसको पीछे की तरफ लूँगा ताकि मेरा जो मेन है, मेन जो सीन है मेरा, वहाँ मुझे दिख, सॉरी कंट्रोल जेड, या ओके। थोड़ा इसको पीछे लूँगा लाइक दिस, ओके लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको साइड में लूँगा, यहाँ मुझे लगाना है ना,
थोड़ा सा मैं यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा मैं पीछे की तरफ ले लेता हूँ और लाइक दिस, थोड़ा मैं यहाँ ऊपर की तरफ ले लेता हूँ पॉप अप करके लाइक दिस। तो मैं देखता हूँ, थोड़ा साइड में करता हूँ या तो जूम कर दिखाता हूँ आपको। तो देखते हो कि मुझे इसका कोई काम है नहीं नीचे वाले का, मुझे सिर्फ अपना ये चाहिए था। तो ये भी मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रखा है ताकि जो है पूरा जो है वो उससे नीचे थोड़ा सा कहीं नीचे निकला हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपको जो है वो नीचे की जो डेप्थ है वो प्रॉपर बनी रहेगी और ऊपर की जो फील है वो अच्छी रहेगी। थोड़ा सा पता भी नहीं चलेगा कि ये ऊपर है नीचे, अगर ऊपर करके लगा दोगे तो ऐसे लगेगा जैसे हवा में चल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से नीचे लगा देना, वहाँ थोड़ा ऊपर कर सकते हैं हम करना चाहें तो, क्योंकि स्पेस है हमारे पास लाइक इतना ठीक है। ओके इतना ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कैमरा मूव भी करेगा तब भी। सो मैं इसको कर लेता हूँ, जितना मुझे रोल था मैं ले लिया, ये नीचे है। अगर ये कट नीचे ना होता ये इतना तो ज़्यादा भी अच्छा था, पर हमने अभी कोई बात नहीं, लर्निंग के लिए आपको इतना दिखा सकते हैं, ठीक है। जो तो चीज़ चाहिए होंगे वही ले लेंगे तो अच्छा, ठीक है। नीचे है प्रॉपर, थोड़ा सा नीचे मैंने कर रखा है, मैं देख लेता हूँ एक बार, या थोड़ा सा और कर लेता हूँ ताकि सॉरी पीछे की तरफ रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ लाइक दिस, ओके या लाइक बहुत इतना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेते हैं। हाँ इतना ठीक है, ओके। सो इसको फ्रंट पे लाऊंगा, फ्रंट एंगल पे, ओके। सो ये क्रिएट हो गया है। अभी क्या है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और कितनी भी चीज़ें का जब लगा सकते हो, पूरा इमेजिनेशन होनी चाहिए आपके अंदर क्या है, ठीक है। सो अभी मेरी ये दो है, आई होप कि आपको इतने आइडिया लगे, ट्यूटोरियल भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा। सो मैं चेक कर लेता हूँ कंट्रोल वी वन दबा के कि मेरा ये क्या है, ओके। सो मेरा ये फ्लावर है, मैं इस फ्लावर को बाद में लूँगा, फिलहाल मैं टू वाले फ्लावर को ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा ना अलग तरीके, क्योंकि वो अभी लूमा वो अभी पूरा PNG फाइल का फ्लावर नहीं है, उसको मुझे थोड़ा PNG में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं बाद में करूँगा, तो आपको दिखाऊंगा उस इलेक्ट्रिक से इसके बाद लेंगे। तो ये PNG, ओके। सो ये मैं ले लेता हूँ, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, सेम वही चीज़ है, यहाँ लगाना है, ओके। और इसके बाद मुझे ये दोनों चीज़ है, दो नोड कनेक्टेड, रिसाइज, ओके। चेक कर लेते हैं रिसाइज हुआ है नहीं, 120 या ओके है, ओके। इमेज प्लेन न्यू कनेक्टेड इमेज प्लेन, ओके। सो अभी इमेज प्लेन से कनेक्ट हो गया है, सो अभी मुझे ये कनेक्ट करना है अपना फाइनल 3D मर्ज में। सो कनेक्टेड 3D मर्ज, और एक ये जो मेरा टूल है, जो मेरा जो है, मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन दे देना है और दबा के, और यहाँ मुझे इसको सेट कर देना है ताकि जो है कंट्रोल चैट, ठीक है, यहाँ देता हूँ, सॉरी यहाँ देता हूँ कंट्रोल चैट, ताकि जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से बने रहें लाइक दिस, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। सो विज ऑल सेट, ओके। सो अभी मुझे क्या करना है, फ्लावर देखना है फाइनली 3D मर्ज पे, और वर्क पे क्लिक करूँगा पॉइंट पे ताकि मेरा 3D सीन में आए। सो ये रहा मेरा 3D सीन में मेरा फ्लावर, ओके। इमेज प्लेन पे क्लिक करता हूँ, इसको सेट करना है, 3D पे सेट है। सो इमेज प्लेन, ओके। सो अगली बार हम जब 3D मैट पेंटिंग बनाएंगे तो अलग तरीके से बनाएंगे गाइस, क्योंकि ये आपको आ जाएगा, उसके बाद हम अलग तरीके से इसको बनाएंगे, 3D शेप लेके बनाएंगे अगली बार हम, ठीक है। कैचर वगैरह नोट हैं जो उनको यूज़ करके अगली बार हम बनाएंगे, कैमरा प्रोजेक्शन वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको यूज़ करके बताएंगे आपको। सो अभी ये सिंपल वे आपको मैंने बताया है। सो अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा स्केल इसका मैं बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस, थोड़ा मैं नीचे की तरफ इसको ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ लाइक दिस, इतना ठीक है। इसको साइड में ले लेता हूँ, ओ सॉरी या मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ लाइक दिस। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा ना उस स्टोन के पीछे लगे, मतलब कि ये इस स्टोन के पीछे लगे, थोड़ा सा ना लुक देगा कि हाँ थोड़े स्टोन के पास थोड़े से फ्लावर्स भी हैं लाइक एंड ऑल, ठीक है। सो इस तरीके से शो भी करे, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, स्केल में देख लेता हूँ कितना ठीक रहेगा साइज़ का, या इतना ठीक रहेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, या थोड़ा छोटा, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ नीचे, थोड़ा आगे सॉरी जेड से थोड़ा आगे, या थोड़ा सा साइड में, ठीक है। सो मेनली ये है फ्लावर, ओके। सो जूम करके, ओके थोड़ा जूम करेंगे, ये है, और जूम करेंगे, सॉरी ज़्यादा ही कर दिया,
या ठीक है, तो देखते हैं नीचे का सीन क्या है, नीचे का जो सीन है प्रॉपर वो क्या है गाइस। ये थोड़ा सा आपको अभी शुरू शुरू में स्टार्टिंग थोड़ा प्रॉब्लम होगा ये ऊपर नीचे करने में, पर बाद में आपका जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा ठीक है। शुरू शुरू में नए नए आप करोगे तो थोड़ा सा बस दिक्कत होती है, बाकी बाद में फिर आप सीख जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल काम है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। या सो दिस इज माई फ्लावर ओके। सो आप देख सकते हो कि नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा 3D सीन का ये लाइक कहाँ गया। या थोड़ा सा स्क्रोल आउट, ये रहा ओके। सो ये रहा ओके, थोड़ा जूम नीचे या तो ये मैं थोड़ा सा ऑल दबा के थोड़ा सा नीचे तक, तो ये देख रहे हो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर कर देते हैं इसको लाइक दिस ओके। तो ये मेरा स्टोन था, ये जो मेरा स्टोन था ओके, ये मेरा स्टोन था, इसके पीछे मैंने थोड़ा सा ये फ्लावर्स मैंने पुट करे हैं यहाँ पर, तो ये इतना साइज इतना ठीक है, और साइज आपको अपने अकॉर्डिंग करना तो कर सकते हो ठीक है। सो ये डन हो चुका है ओके। सो अभी मुझे अपना नेक्स्ट फ्लावर चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस सीन में यहाँ पर थोड़े से जो हैं वो फ्लावर्स हों ठीक है। यहाँ पेड़ के यहाँ पीछे भी लगा सकते हो, अगर लगाने हैं तो इसी स्टोन के पीछे भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर एक खाली यहाँ पर इस एरिया पे कुछ फ्लावर्स पुट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए, एक लास्ट फ्लावर मेरे पास बचा है। सो ये है मेरे पास फ्लावर, तो गाइस ये ना PNG में नहीं है फ्लावर, आप देख सकते हो कि ये PNG में नहीं है फ्लावर। मैं इसको पहले रिसाइज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा ओके देखा, तो ये हो गया, मैं इसको देख लेता हूँ या कलर करेक्शन नोट रिसाइज कनेक्टेड ओके। सो ये अभी हमारा जो है वो PNG में नहीं है सबसे पहली बात ठीक है, तो इसको हम PNG में थोड़ा करेंगे थोड़ा लूमा की को यूज़ करके। सो ये है ओके। सो अभी होगा क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे को एक कलर करेक्शन नोट डिलीट करना पड़ेगा डिलीट ओके फिलहाल के लिए। तो ये रिसाइज हो चुका है, मैं देख लेता हूँ वर्न करके या ऑलमोस्ट रिसाइज ओके। सो मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि अगर मैंने ये ऐसे ही कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा ठीक है, आपको कमी भी पता चलना चाहिए। सो अगर मैंने ये ऐसे ही कनेक्ट कर दिया है तो मैंने अभी फ्रेम को लग दे, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो है वो अगर मैंने बिना विदाउट PNG इमेज लूंगा तो कुछ इस तरीके से जो वाइट वाइट होगा वो आएगा ठीक है। सो ये तो आप लगा नहीं सकते, तो दैट्स वाई की है कि हमें ये इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको चेड़ा चेंज कर लेता हूँ, आप PNG इमेज ही लेना, ये मेरे से गलती से आगे है तो इसलिए मैं जो है इसको चेंज करूंगा मैं यहाँ पर ओके। सो अभी मैं लूंगा एक लूमा की ओके। सो मुझे यहाँ सर्च करना सिर्फ इसी बार लूमा की LUM ओके, लूमा की है या सो अलग से आ गया। सो फिलहाल के लिए इमेज प्लेन डिस्कनेक्ट करता हूँ ओके, लूमा की मैं लगाता हूँ ओके। मैंने यहाँ कनेक्ट करा लूमा की, अब लूमा की पे कलेक्ट करूँगा 1 ओके। सो अब मुझे ये थोड़ा सा कट करना, गाइस क्या है कि अब आप देख सकते हो कि जो मैंने लूमा की लगाई है वो आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी ये फ्लावर्स पूरे खराब हो गए डिसमेंटल। तो अभी इसको क्या करना है, आपको फिलहाल के लिए इसको लूमा की पे क्लिक करें इन्वर्ट करना है, मतलब कि अपोजिट करना है। इन्वर्ट पे क्लिक करूंगा तो देख रहे हो आपकी वो जो था पहले ये था जो मेरा लूमा की के शायद फ्लावर्स खराब हो रहे थे, अब मैं ये कर दूंगा ठीक है। अभी क्या है, अब मुझे यहाँ से इसको कट करना है थोड़ा सा लाइक दिस, आगे से थोड़ा लो कट करना है, थोड़ा सा मैं हाई कट करूंगा, लो हाई हम कट करेंगे ओके, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लाइक लो इतना ठीक है ओके। थोड़ा मैं हाई मैंने ज़्यादा कट कर दिया है, थोड़ा हाई को मैं पीछे लूँगा और लो को भी मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, इतनी भीड़ नहीं है ओके। और ब्लर को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ ठीक है, इतना ठीक है आपको। हाँ और फिनिशिंग से भी कर सकते हो, पर अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा हाई कट कर देता हूँ ठीक है। फिलहाल कनेक्ट करके देखते हैं क्या लग रहा है। सो इमेज प्लेन से कनेक्ट करना है लाइक इसको यहाँ कनेक्ट करना है ठीक है, या जूम कर देखते हैं थोड़ा सा करेक्शन और कर लेते हैं, ज़्यादा अजीब हो गया है थोड़ा सा लाइक दिस ठीक है, इतना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हाँ ऑलमोस्ट ठीक है। थोड़ा सा इसकी क्वालिटी भी गाइस अभी ख़राब आ रही है, मेरे को दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कुछ ना ब्लर पॉइंट क्वालिटी की वजह से भी थोड़े ख़राब दिख रहे होते हैं, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी कम कर रही होती है ठीक है। सो अगर कोई दिक्कत लगी तो क्वालिटी जब हाई करेंगे तब इसको एडजस्ट कर लेंगे ओके। फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट करते हैं ओके।
उसको प्लेस कर देते हैं। सो ये मैच प्लान, ओके। सो एक पॉइंट होल्ड दबा के ये आपको लगाने लगाइए, नहीं लगाने मत लगाइए। सो ताकि आपको एंड में अच्छे से दिखे सब कुछ। सो ये क्रिएट हुआ। सो अभी क्या करना है, अभी हमें इमेज प्लेन पे क्लिक करना है। अभी हमें इसको जो है 3D सीन में डाल दिया है हमने। अब इसको कैमरा को मैं पकड़ के डाल दूंगा। सो ये मेरा 3D सीन में आ चुका है फाइनली। मैं और दबा के इसको चेक करूंगा। सो वेयर इज माय फ्लावर, तो ये कहाँ है, ये यहाँ पर है, बहुत गलत जगह पे है। सो मैं इसको नीचे करना चाहूँगा फिलहाल, तो पीछे नीचे, ओके लाइक दिस। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ अपनी ओरिजिनल स्क्रीन को, जो ओरिजिनल रेंडर है, थोड़ा सा मैं आगे की तरफ, थोड़ा मैं स्केल बढ़ा कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, तो लाइक इतना। सो थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आता हूँ लाइक दिस। मैं सोच रहा हूँ यहीं इनको प्लेस करूँ, मेरा जो मेन मोटिव था वो यहीं प्लेस करने का है। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, यहाँ प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड में करके, मतलब यहाँ प्लेस कर देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे, ओके। सो मैं अपने 3D सीन में जाऊँगा। ऑलमोस्ट जो है वो ऑलरेडी ठीक प्लेस हो गया है। यही फ्लावर थे आई थिंक, मेरे को लग रहा है ये थे, ये रहे, ओके। सो मेरे ये फ्लावर थे, थोड़े मैं इसको नीचे देखना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। स्केल थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्केल बड़ा लग रहा है लाइक दिस। और इसको थोड़ा हम नीचे की तरफ ले लेते हैं लाइक दिस, ओके। अभी थोड़ा आगे कर लेते हैं, पीछे करके सॉरी, यहाँ थोड़ा आगे कर लेते हैं जेड से, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, थोड़ा साइड में कर देते हैं, ओके, इतना ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे, इतना ठीक है। तो एक एरिया मिल गया है बेसिकली लगाने के लिए। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि जो है, या ठीक है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे है सारी चीज़, ओके। सो ऑलमोस्ट डन है, ओके। सो ओके, सो डन है। सो ये मेरा जो 3D सीन है वो क्रिएट हो चुका है। और भी चीज़ें हैं अगर आप चाहो तो, फाइनली जो है और भी चीज़ें अगर आप यूज़ करना चाहते हो, और भी चीज़ें आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। आप कोई ऑब्जेक्ट लगाना है इस पर, तो भी सपोज हमने ग्रीन स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, उसको लूमा की सॉरी डेल्टा की से काट के, और उसको यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। सेम आप वही 3D सीन को यहाँ पर कनेक्ट करोगे, वही लूमा की लगा के आप ग्रीन स्क्रीन कट करके, और कोई भी बंदा आपको प्लेस करना है, वी सपोज कोई भी चीज़ प्लेस करनी है, तो आप यहाँ पर उसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखना भी है तो मैं अभी शायद करके मैं अभी, और मैं आपको ये किसी और एपिसोड में दिखाऊंगा। अभी एपिसोड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है वो कैसे प्लेस करना है किसी भी सीन के अंदर। तो फिलहाल अभी क्या है, फिलहाल ऑलमोस्ट हमारा जो 3D सीन है वो क्रिएट हो चुका है। सीन हमारा क्रिएट हुआ है, अभी हम इसको थोड़ा सा मोशन देंगे जो हमने लास्ट में कैमरा लगाया था उसका। फिलहाल के लिए अभी हम थोड़ा सा कलर करेक्शन करते हैं, जो हमारे कलर करेक्शन के नोट थे, ओके। ये मेरा फ्लोर है, मैं कलर करेक्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ आपका कलर करेक्शन आपका दिखेगा। सो कलर करेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, इसको करने के बाद एक प्रॉपर एक अच्छा आउटपुट मिलता है फुटेज में। कलर करेक्शन मेन है, अगर हमने पूरा सीन क्रिएट किया है तो अब सारे कलरों को मैच भी तो कराना होता है। सो वो चीज़ है। सो गया कलर करेक्शन नोट पे, ओके। सो कलर करेक्शन नोट पे जाने के बाद गाइस मैं बिल्कुल लिटिल बिट करेक्शन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो फिलहाल मैं कलर करेक्शन डाविंची रिजॉल्व से ही करता हूँ, वहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर सिर्फ VFX को मैच कराने के लिए करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, पर मेन है कि वहीं पर ज़्यादा अच्छी होती है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गेन करूँगा, ये सीन को मैच कराने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा सैचुरेशन गेन करता हूँ लाइक दिस, ओके। आई थिंक इतनी बड़ा इतनी ठीक है, ओके। फ्लोर को देखना है आपको, हम पर्टिकुलर पार्ट पर करने वाले हैं। थोड़ा मैं ग्रीन को बढ़ाता हूँ, तो ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ लाइक दिस, ओके लाइक दिस, ओके। इतना ठीक है, हाँ इतना ठीक है, ओके। सो थोड़ा मैं थोड़ा सा जो कंट्रास्ट है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि एक अच्छा आउटपुट आए, मैच हो सारी चीज़ें, हाँ इतना ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। लेफ्ट को थोड़ा सा कर लेते हैं, गेन थोड़ा सा कर लेते हैं, ओह सॉरी ज़्यादा कर दिया लाइक दिस, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। थोड़ी सी ब्राइटनेस करनी है तो करिए, नहीं करनी मत करिए। गामा लिटिल बिट, या इतना ठीक है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिलहाल आपका आईडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट मेरा है कलर करेक्शन, मेरा माउंटेन, ओके। थोड़ी सी सैचुरेशन लिटिल बिट, ओके। थोड़ा ब्लूइश कर देता हूँ माउंटेन को, थोड़ा सा ब्लूइश की तरफ कर देता हूँ लाइक ब्लूइश, थोड़ी टोन आए थे माउंटेन की तरफ, थोड़ा सा
माउंटेन हमारा बर्फीला है थोड़ा सा, तो वो इस तरीके से करते थे। सो थोड़ी सी सैचुरेशन या और लिटिल वेट हम लोग इसमें थोड़ी सी जो है वो तो गेन भी कर सकते हैं थोड़ा सा, थोड़ी ब्राइटनेस आए, पर हम नहीं करते इसके, हम थोड़ी सी ना उस तरफ थोड़ा सा लुक रखते हैं लाइक दिस, तो इतना ठीक है। ओके तो ज़्यादा किसी में जरूरत नहीं। स्टोन लेके आते हैं, स्टोन फ्लोवर, स्टोन फ्लोवर मतलब कि ये था। ओके सो इसको मैं थोड़ा सा सैचुरेशन का, थोड़ी सी सैचुरेशन इसकी बढ़ाऊँगा लाइक दिस। स्टोन थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना येलो सी, थोड़ी सी ना ये जो आपको येलो के साइड में जो थोड़ी सी ये ब्राउन सी टोन दिख रही है, ये टोन होती है थोड़ी सी, तो मैं इसको ये टोन देना प्रेफर करूँगा। लाइक थोड़ा इस तरीके से बने कि कोई सनलाइट जो है वो पड़ रही है, तो थोड़ा सा यू नो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें एम्बियंस लाइट, स्पॉट लाइट्स भी होती हैं जो यूज़ कर सकते हैं किसी सीन पे, किसी यहाँ पर भी हम किसी भी सीन पे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें इस पेड़ पे देनी है यहाँ से, तो एक लाइट लगा सकते हैं। सो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं इसी में आपको बता दूंगा। तो जैसे यहाँ पर आप कोई भी सीन में आप यहाँ लाइट लगा सकते हो, सॉफ्ट लाइट, एम्बियंस लाइट या जो भी है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो वो लाइट सेट कर सकते हो, तो यहाँ से सन के साइड में भी मुझे एक लाइट लगानी है, उस पर्टिकुलर लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से एम्बियंस लाइट आ रही है। सो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, तो वो हम आगे बात करेंगे। अगर वो बात करने लगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए जो हमारा टॉपिक है आज में वही बात करने वाले हैं। ओके सो नेक्स्ट है मेरा ट्री, ऑफकोर्स ट्री है, तो ट्री हमारा ये वाला है, तो थोड़ा इसको हम ग्रीनिश टोन दे देंगे, सैचुरेशन देता हूँ थोड़ी सी इसको फिलहाल के लिए। या एक तो हाई लो क्वालिटी रखते हैं तो ऊपर से कलर भी नहीं दिखते, पिक्सल थोड़े से फटे हुए दिखते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। या सो थोड़ा सा ग्रीनिश नॉर्मल कर लेते हैं ग्रीनिश। ओके इतना ठीक है, या इतना ठीक है। फटाफट से अगला कर लेते हैं। सो स्टोन है मेरा, नेक्स्ट स्टोन मेरा पीएनजी, मतलब कि ये वाला स्टोन है मेरा, ये वाला। सो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो सैचुरेशन करूँगा लाइक दिस, और थोड़ा सा स्टोन वाली फील से, या इतना ठीक है, स्टोन की लुक दे रहा है। ओके लिटिल बिट ओके है। सो ओके ये है, डन है। सो नेक्स्ट ट्री है, सो ट्री को भी मैं थोड़ा सा, ये पीछे वाला जो मेरा ट्री था, मैं इसको भी थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, हल्का सा ग्रीनिश फील दे देता हूँ लाइक दिस। आप देख सकते हो उस पर पूरा इफेक्ट पड़ रहा है, देख खाली ट्री पे। ओके सो ट्री को मैं थोड़ा ग्रीनिश कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसकी सैचुरेशन है जो उसको अप कर देता हूँ लाइक दिस। ओके बहुत है, इतना काफ़ी रहेगा लिटिल बिट, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है स्टोन फ्लावर, इसको फटाफट से मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये पर्टिकुलर आप जैसा मैं कलर कैशन का नोट दिया था, पर्टिकुलर हर रोड पे जाके अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो जो भी आपको करने हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, आप स्लोली स्लोली मैच भी करा सकते हो जैसा आपको टोन चाहिए। जस्ट ये क्या है मेरा, ग्रास है मेरी, सो मैं ग्रास कर देता हूँ थोड़ी सी लाइक लिटिल वेट सैचुरेशन। ओके मतलब ग्रीनिश रख लेता हूँ थोड़ा सा। लूमा केयर है, लूमा केयर के बाद मेरे ग्रास फ्लावर था, एक कलर करेक्शन नोट में लगाया नहीं था। सो मैं यहाँ पर कलर करेक्शन नोट को शिफ्ट दबा के एक प्लेस कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके सो मेरा ये कलर करेक्शन नोट प्लेस हो गया है, इन सबको पीछे कर लेता हूँ और कलर करेक्शन को यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा जो सैचुरेशन बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा सा ग्रीनिश कर देता हूँ, ठीक है। लिटिल बिट आपको आइडिया लगे। ओके सो ऑलमोस्ट डन है। स्काई भी कर सकते हो, स्काई मैंने यहाँ पर ये जो मेरी टाइमलाइन थी लाइक दिस, सो स्काई मेरा जो था वो मैंने यहाँ लगाया था, जैसे मैंने आपको बताया था वो स्काई मैंने 3D शेप को यूज़ करके यूज़ किया था। तो ये मेरा स्काई है, जूम कर दिखा देता हूँ आपको, या लिटिल बिट, या तो ये मेरा स्काई है, स्काई को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सो स्काई पे मैंने कोई कलर करेक्शन नोट नहीं लगाया हुआ, तो मुझे थोड़ा दूर करना पड़ेगा और यहाँ से कलर करेक्शन नोट लेना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे फिट करना पड़ेगा शिफ्ट दबा के लाइक दिस प्लेस। ओके सो ये मेरा कलर करेक्शन नोट है, ये मेरा स्काई है। सो मैं यहाँ थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेता हूँ। सो लिटिल बिट देखो आप स्काई को मैं थोड़ा सा ब्लूइश टोन, थोड़ी सी वो टोन देता हूँ लाइक थोड़ी सी ले। स्काई वैसे ऑलरेडी इमेज मैंने अच्छी ले रखी है, तो इतनी नीड नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको जो सिर्फ भी मोड़ना है, आप देखो जिस तरीके से आपको मोड़ना है आप इसको कर सकते हो, ठीक है लाइक दिस दिस। ओके सो मैं इसको लिटिल बिट ही करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इमेज ठीक है। सो गाइस ऑलमोस्ट जो है 3D मेड पेंटिंग जो है वो डन हो चुकी है, ठीक है। सो कलर करेक्शन करें तो और भी ये बेटर हम इसको बना सकते हैं। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से करना है। ओके और भी चीज़ें प्लेस करनी है एरिया पे, यहाँ पे आप कर सकते हो जो भी है। ओके सो अभी जो फाइनली था, अभी जो हमें देखना था, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, या सो आप देखो ये हमारा पूरा 3D सीन है वो पूरा पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये सीन है, आप जिस तरीके से लगाना चाहो, हर बार अलग अलग तरीके से चीज़ें बनेंगी, पूरा प्रॉपर तरीके से जो है वो 3D सीन क्रिएट हुआ है। सो
काफ़ी अच्छा हुआ है क्योंकि छोटा सा तरीका आपको मैंने बताया है काफ़ी ओके और दबा के आप अपने माउस का जो मिडल पॉइंट है उसको दबा के आप इस तरीके से इसको जिस तरह भी रोटेट करना है आप कर सकते हो नीचे ऊपर ओके। सो अगर आपको देखना है तो देख सकते हो सारी चीज़ें किस तरह से प्लेस हैं ओके ओके डन है। तो और दबा के इसको एग्जैक्ट पूछ ले। तो गाइस अभी क्या है, अभी इसमें करना है मेन काम है हमारा जो ये कैमरा था जो मैं लगाया था इसका काम। सो अभी इसको बंद करेंगे, टाइमलाइन को इस तरफ लेके आएंगे ओके। कंट्रोल दबा के इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो आप। तो ये हमारी जो वर्क फ्लो टाइमलाइन है ओके। सो ये जो हमने किया है मैं इसको थोड़ा दूर कर लेता हूँ ओके लाइक दिस या ओके। सो या सो आप अभी मुझे क्या करना है, इमेज प्लेन या ये मेरा जो है, मेरे को अपने जो कैमरा है मतलब कि ये जो मेरा जो कैमरा था मैंने नहीं छोड़ा था, सबसे अलग जो मैंने रखा था ये। सो अभी मुझे इस पे काम करना है। सो अभी मैं कैमरे पे सिलेक्ट करूंगा, मेरा कैमरा लॉक पड़ा है, मैं नीचे करता हूँ आपको दिखाने के लिए लाइक दिस। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि काम यही करना है ओके। अब यहाँ देखना कैमरा को लॉक से हटाता हूँ ओके। कैमरा मैंने लॉक से हटाया, अभी मेरा कैमरा जो मूव करेगा। तो अब मैं आपको यहाँ से मूव करके दिखाता हूँ लाइक दिस। आप देख रहे हो जो सीन है वो कुछ ये है। तो मैं जो है अभी क्या है, ये मेरा जो सीन था लाइक दिस, यहाँ से मैं रखता हूँ या जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा स्काई जो है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो ये है मतलब कि मेरा जो ये है माउंटेन है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूंगा। तो ये स्काई जो है थोड़ा सा शो हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। सो मैं अभी अपने माउंटेन पे जाता हूँ यहाँ से, वेयर इज़ माई माउंटेन लाइक दिस। ये रहा मेरा माउंटेन और ये है मेरा इमेज प्लेन माउंटेन ओके। सो गो टू द माउंटेन। सो माउंटेन में जाके मैं थोड़ा सा इसको जो जेड है ना इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं इसका एक्स को नीचे करता हूँ, सॉरी बार बार मैं भूल जाता हूँ, वाई को नीचे करूँगा सॉरी, या थोड़ा नीचे कर दिया, ज़्यादा नहीं लिटल बिट करना है लाइक दिस ओके। सो ज़्यादा हो गया, ये एक्स वाई को कभी कभार भूल जाता हूँ मैं थोड़ा सा लाइक दिस ओके। सो ये डन हो गया। सो अब आप देख सकते हो प्रॉपर जूम है ओके। सो ऑलमोस्ट डन, सारी चीज़ें डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चीज़ गई तो नहीं नीचे से ऊपर तक या ऑलमोस्ट डन है सब ओके। सो अभी क्या है, मैं फिर से अपने 3D कैमरा पर जाऊँगा, हाँ जो मेरा यहाँ था ओके, ये रहा मेरा 3D कैमरा लाइक दिस, नीचे करूँगा ठीक है। एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस। तो अभी क्या है, ये मेरा तो था ओके 3D कैमरा था जो मैं अभी इसको आगे की तरफ करूँगा लाइक दिस। अभी देख रहे हो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम जो मेरी ठीक होती, पर मेरे को इतना आगे जाना नहीं है सीन को लेके, तो मैं इतने सीन को यहीं रखता हूँ ठीक है। इतना आगे जाना नहीं है, अगर जाना होगा फिर पहाड़ को थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो ये है मतलब सेट कर लेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी करना है ना। तो ये मेरा सीन है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा जो हो यहाँ से मूव होके मेरा कैमरा पीछे की तरफ जाए। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फर्स्ट फ्रेम पे आना है, ये जो आपका रेड है यहाँ आप देख सकते हो ये एरिया में। सो मैं एक की मेरी जो है मैं यहाँ सेट कर दूंगा, तो यहाँ पर जेड पे मैं एक की लगा दूंगा लाइक दिस ओके, एक की लगा दूंगा। अब मैं चाहता हूँ मेरा कैमरा इस तरीके से पीछे की तरफ मूव करे धीरे धीरे। सो मैं अपनी एक की यहाँ लगा, फिलहाल मैं यहाँ लगा के देख लेता हूँ, मैंने इतना लिया है, आई होप कि अच्छा लगे, धीरे धीरे मूव करे, अगर दिक्कत हुई तो दोबारा लगा दूंगा। सो मैं अब अपने कैमरे को एक की यहाँ लगाऊंगा ठीक है। अब मैं अपने कैमरे को पीछे की तरफ मूव करूंगा लाइक दिस। तो देखा आपने मैंने पीछे की तरफ मूव करा। अब मुझे देखना है मुझे पीछे कितना चाहिए लाइक मैंने जितना लगाया था अपने अकॉर्डिंग अंदाजा तो ये था लाइक दिस। और आपको और चाहिए तो आप अपनी फिर जो फ्लोर है आपको बड़ा करना पड़ेगा, कैमरे को और पीछे लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन जो भी आपको चाहिए ठीक है। सो ये मैंने लगा दी मेरी कीज। तो अभी मेरा जो बना हुआ कुछ इस तरीके से बना, आप देख सकते हो रेंडर हो रहा है। सो ये अभी एक जैसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट, हाँ मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट मेरा जो है वो ओके हो गया है, फ्रेम मैंने ओके लिया। तो ऑलमोस्ट ये है जो मेरा सीन पूरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो जो है मोशन हो रहा है। मैं अब आपको पूरा सीन दिखाता हूँ। एक तो कभी कभार बहुत हैंग की प्रॉब्लम आती है गाइस, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। सो इसलिए मैं फ्यूजन पे डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन में वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे इस प्रॉपर फ्यूजन स्टूडियो पे करना था, मुझे काम ही नहीं था वहाँ पे, करता तो और भी प्रॉब्लम होता। सो हालांकि मेरा प्रोसेसर वगैरह सब काफ़ी अच्छा है, फिर भी प्रॉब्लम होती है।
सो तो ये जो सीन है आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉपर सीन है, ये प्रॉपर 3D सीन जो है वो क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। सो अभी क्या था, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब जो मेरा जो ऑल्ट या फिर से प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये मैं आगे लेता हूँ, ठीक है, और जो मेरा जो स्क्रॉल करके उसको पीछे लेता हूँ, ओके। सो अभी क्या है, आप देख सकते हो जो मेरा ये कैमरा है, ओके, जो मेरा कैमरा है ये अब आगे से मैंने मतलब यहाँ से सेट करके इसको पीछे लाया था, तो मैंने की सेट करी है, तो ये आगे से पीछे की तरफ मेरा जो कैमरा है वो मूव कर रहा है, ओके। सो यही था कि अभी मैं आपको इसको वर्क फ्लो दिखाता हूँ इसका थोड़ा सा। सो जो हमारा वर्क फ्लो है गाइस, ओके, सो ये हमारा वर्क फ्लो है, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है फिलहाल के लिए, ओके। सो ये हमारा वर्क फ्लो है गाइस, एक बार मैं आपको फिर से इसको साइड से कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा फ्लोर माउंटेन रिसाइज कलर करेक्शन गया, ओके, यहाँ से कनेक्शन देखे हमारा इमेज प्लेन में गया, सारे कनेक्शन इस तरीके से गए, इमेज प्लेन हमारा मेन कंट्रोल था जहाँ हमने कंट्रोल किया था, आप इसको ऐसे भी ऊपर नीचे भी कर सकते हो जैसा आपको करना है, ओके। सो और फिलहाल मैं इनको सबको कंट्रोल जी कर दूंगा, इनको अगर आप ग्रुप में करना चाहते हो तो ग्रुप में कर सकते हो, मतलब कि कंट्रोल जी, मतलब आपको कंट्रोल जी कर दोगे तो ये सारे ग्रुप में हो जाएंगे लाइक दिस, ओके। सो ये एक ग्रुप में हो चुके हैं, ओके। सो ग्रुप मतलब कि ये एक ग्रुप के अंदर आ चुके हैं इस तरीके से, ओके, और अनग्रुप करना है तो यहाँ पे आप अनग्रुप कर दोगे तो ये अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके पर मैं इनको ग्रुप में कर देता हूँ कंट्रोल जी करके, क्योंकि ये एक ही है सब कुछ, ठीक है। सो ये ग्रुप है, ओके। सो क्या है कि मेरा जो सीन था, ओके, जो मेरे सारे सीन थे वो यहाँ क्रिएट हुए, ओके, यहाँ से मैंने अपने सारे सीन को क्रिएट किया, कलर करेक्शन किया, रिसाइज किया, यहाँ से वर्क फ्लो होके मेरे ये ग्रुप में गए, ओके। फिलहाल अन ग्रुप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। सो ये मेरा जो था सारा, ये मेरा ग्रुप में गई ये सारी चीज़ें, इसको नीचे कर लेता हूँ कंट्रोल ऑल या लाइक दिस, ओके। सो ये मेरा सारा जो था वो यहाँ से होकर मेरे इमेज प्लेन में गई, मतलब एक एक पर्टिकुलर चीज मेरी इमेज प्लेन में गई। यहाँ से जो मेरा था वो मेरा ये मर्ज था, मतलब कि मेरा जो ये मर्ज टूल है, मर्ज नोट है, ठीक है, ये मेरा मर्ज नोट है, इसने मेरे सारे सीन को लिया, मतलब कि जो मैंने अपने सारे सीन यहाँ ऊपर ये जो बनाए हैं, ऊपर सारे सीन मेरे जो ये बने हुए हैं, ये मेरे सारे सीन मेरे मर्ज ने कनेक्ट किए, ओके। कनेक्ट करने के बाद मेरे यहाँ से एक रेंडर नोट दिया, जो मेरा एक रेंडर नोट गया, मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, मेरा रेंडर नोट ये रहा, ठीक है। रेंडर नोट मेरा मेन आउटपुट जो है वो दिखा रहा है, ओके, मैं जूम कर देता हूँ, ये मेरा रेंडर नोट है, ये मेरा मेन आउटपुट दिखा रहा है, ओके, ये मेरा मेन आउटपुट दिखा रहा है। और यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से मैंने कनेक्शन दिया मर्ज 3D में से, यहाँ से मैंने कनेक्शन दिया शेप 3D, यहाँ से मैंने जो अपना स्काई, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कलर करेक्शन अपने स्काई पे किया शेप 3D में, जैसे कि आपको मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने जो अपना स्काई था वो मैं थोड़ा सा ऊपर करके वन पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा जो स्काई था वो जैसे आपको दिख रहा है, मैंने इस तरीके से जो अपना स्काई जो है वो बनाया, ठीक है, शेप 3D में से, ओके। और ये फिर मैंने कलर करेक्शन किया, और यहाँ पर मेरा स्काई जो था नॉर्मल, मेरा जो स्काई था वन क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा नॉर्मल स्काई की जो इमेज थी, मतलब ये इमेज थी मेरी, ओके। सो सॉरी, तो ये मेरी इमेज थी जो मेरी शेप 3D में गई, और यहाँ से मैंने जो स्काई है वो बनाया। तो आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हुआ हो, ये मेरा यहाँ से निकल के मेरा शेप 3D मर्ज 3D में गया, और ये मेरा जो लास्ट में जो सबसे नीचे जो मेरा कैमरा था जो मैंने लॉक किया था, ये मेरा एक कैमरा था जिसको मैंने पर्टिकुलर वर्क किया था, ठीक है। यहाँ पर रेंडर में जाके ये चीज़ मैंने नहीं करी थी, मैंने डायरेक्ट अपने कैमरे को वहाँ से मूव कर लिया था। सो आप चाहो तो यहाँ से, यहाँ पे आपको कैमरा भी सिलेक्ट करना पड़ेगा 3D1, ओके, जैसे यहाँ पे और कोई मैंने कैमरा लगाई नहीं है, और कैमरे लगाते तो यहाँ पे बहुत सारे कैमरे होते हैं, तब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता कि मुझे कौन से कैमरे पर्टिकुलर वर्क करना है। मेरे रेंडर में जाके मैं 3D1 कैमरा करना है था, तो मैं यहाँ से कर लिया था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहीं से वर्क कर लिया था क्लिक करके इस पर, तो वो ठीक है। तो यहाँ से आप पहले कैमरा भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कैमरे को आपको मतलब कि देना है, कि किस कैमरे मुझे काम करना है, तो जो और कैमरे होते हैं तो यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। सो उनको मतलब कि कमांड दे सकते हो, अगर सिंपल भाषा में बोलो तो। तो यहाँ से मैंने जो कैमरा वो लगाया, फिर मैंने अपने पूरे सीन को जो था वो कुछ इस तरीके से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ या ठीक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप समझ गए कि किस तरीके से जो पाइपलाइन बनी थी, ओके। सो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट मैंने जो दिया अपने मेन, यहाँ पर मैंने अपने व्यूअर में उसको एक मोशन दिया, ठीक है। मैं फिलहाल 3D मर्ज भी खोल लेता हूँ, ओके,
3D मर्च वन कर देता हूँ ताकि मेरा फन फ्यूल फाइंडर में दिखे लाइक दिस। ओके सो ये मेरा जो था पूरा सीन था। ओके सो अभी क्या है, अभी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। आप देख सकते हो कि मेरा जो कैमरा है वो आगे से पीछे की तरफ आ रहा है। आप ये देख सकते हो ये एरिया पे मेरा जो कैमरा है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। या सो ये मेरा कैमरा है, ठीक है। तो ये मेरा जो कैमरा था, ये जो कैमरा था मेरा, ये मेरा पीछे की तरफ आ रहा है। ओके सो मेन जो मेरा आउटपुट है वो ये है। ओके सो ये मेरा आउटपुट जो है वो निकल के आया है कि मतलब मेरा जो कैमरा है वो आगे से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। और जो मैंने अभी मैं इसको थोड़ा क्वालिटी हाई कर देता हूँ गाइस, एक बार क्वालिटी हाई का रेंडर ले लेता हूँ ताकि आप ऐसे हाई क्वालिटी में देख सकें। देन हमारा ऑलमोस्ट डन है। ओके सो क्वालिटी हाई के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला, डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा। फिलहाल मैं गाइस इसको सेव कर लेता हूँ ताकि ये मैंने सेव नहीं किया था कंपोजिशन वन करके, इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे इसको मैं रेंडर करने वाला हूँ तो ताकि ये प्रॉपर जैसे है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कंपोजिशन बन करके मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है ताकि आप कोई प्रॉब्लम हो तो ये उड़े ना, आप सेव कर लेना। अगर आपने सेव नहीं करा तो ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ उड़ सकता है, ठीक है। सो अभी मैं इसको हाई क्वालिटी में रेंडर, अभी मैं इसकी हाई क्वालिटी करने वाला हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा राइट में हाई क्वालिटी। अब मैं इसको प्रॉक्सी बंद करता हूँ, अभी मैं इसको एक बार रेंडर ले लेता हूँ, ठीक है। प्ले करता हूँ। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया हो। जब रेंडर होता है तो हमारे यहाँ पर ग्रीन ग्रीन लाइन तो है, जैसे कि आप देख सकते हो ये इस तरीके से पूरा रेंडर हो रहा है। अभी HD क्वालिटी में आ रहा है, आप देख रहे हो पूरा रेंडर हो रहा है। तो अभी जो पिक्सल थे हमारे जो लो क्वालिटी में दिखा रहे थे, लो क्वालिटी में काम करने में यही एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभार पिक्सल जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम करते थे। अभी देख रहे हो हमारे जो ट्री है उसकी शेप कितनी अच्छी आ चुकी है। इससे पहले आप वीडियो को देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम टाइप का आ रहा था। सो अभी ये रेंडर हो रहा है। सो ऑलमोस्ट आप गाइज समझ गए कि किस तरीके से हमें क्रिएट करना। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है पर आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का, मेरा जो मकसद था 3D मेड पेंटिंग बनाने का, इसी तरीके से आपको मैं समझा सकूं। मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मैं जो कॉन्सेप्ट मैं चाहता था मैं आपको वो समझा सकूं बस खाली, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप आगे फिर नई नई ट्रिक्स जैसे हम आगे शेप 3D और कैचर नोट, कैमरा प्रोजेक्शन, इमेज प्लेन और अलग अलग तरीके से भी हम जो है मैट पेंटिंग बना सकते हैं वो आगे धीरे धीरे हम जानेंगे। फिलहाल सिंपल वे में मैंने आपको बताने का ट्राई किया है। सो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट जो हमारा है ये डन हो चुका है। ओके रेंडर जो है हमारा हाई क्वालिटी में डन हो गया है। अभी आप देख सकते हो, ओके डन, आप देख सकते हो कि रेंडर जो है वो कितना, आप देख सकते हो कि क्या फ्लो आ रहा है। ओके सो ये हमारा आउटपुट आया। आप देखिए आगे से पीछे तरफ कैमरा आ रहा है कितना, और जो मैंने जो ये माउंटेन लगाया था ये मैंने इसलिए लगाया था कि जो कैमरा जब मैं इसको स्लेंडर शॉट निकालूं तो जो कैमरा है और जो मेरा ये जो ट्री लगा हुआ है साइड में ये एरिया पे जो है वो, मैं रेंडर पे साइड वाले डिस्प्ले पे भी इसको आपको प्ले कर देता हूँ ताकि आपको दोनों डिस्प्ले पे दिख सके। ओके एक बार रेंडर पे जाके नीचे था मेरा रेंडर नोट, या मैं इसको 1 पे भी प्ले कर देता हूँ या और मैं इसको 3 पे प्ले कर लेता हूँ, दिखता रहे। ओके सो ये मेरा इस विंडो पे भी दिखेगा। ओके सो लाइक दिस। ओके सो ये बंद कर देता हूँ। ओके सो ये हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया। ओके सो अब आप देखो कि जो है दोनों विंडो पे मैं प्ले कर दिया है ताकि आपको, तो ये जो पेड था जो मैंने सेट में लगाया था इसलिए लगाया था ताकि जब मेरा कैमरा तो पीछे की तरफ मूव करे तो एक 3D सीन क्रिएट हो। आप चाहो तो मैंने पीछे की तरफ कैमरा किया है, आप चाहो तो पीछे से आगे की तरफ कर सकते हो, साइड में कर सकते हो, या फिर ऐसे जाके ऐसे कैसे भी आप इसके जो की फ्रेम है, आप जिस तरीके से आपको की फ्रेम सेट करोगे और वो आप की फ्रेम किसी भी तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको ये समझ में आया हो ये ट्यूटोरियल। आप देख सकते हो कितना प्यारा जो सीन है वो क्रिएट हुआ है, सारी चीज़ ऑलमोस्ट है। मैं थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, यहाँ से अपने यहाँ से मैं इमेज व्यू पर करके यहाँ से इमेज यहाँ पे विंडो में जाकर इमेज व्यू पर करोगे तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होगा। ये पॉपअप विंडो है, आप चाहो तो डबल स्क्रीन है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। इसको पॉपअप कराने के रेंडर के लिए मेरे पास एक पॉपअप साइन आया, तो रेंडर में मेरे को यहाँ पे एक डॉट भी मिला होगा, ये डॉट पे मैं क्लिक करूंगा तभी मुझे वो शो करेगा। तो ये मेरा पॉपअप विंडो पे है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस। ओके सो अभी आप देख सकते हो पूरा सीन जो क्रिएट हुआ है लाइक दिस, ठीक है। कितना प्यारे तरीके से सारी चीजें लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको और आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके तो अब आप देख सकते हो लाइक दिस, या सो ओके पूरा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो आपका जो सीन है
वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। और क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया था 9 to 20 in 180 जो हमारे फ्रेम साइज जो चल रहे थे ऑटोमेटिक वो ही चल रहे हैं। तो गाइस आई होप सो कि आपको ये जो ट्यूटोरियल है वो समझ में आया हो, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्यूटोरियल एडवांस था, ज़्यादा भी एडवांस नहीं था, बस जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आप करोगे तो आपको आ जाएगा। बहुत ईजी था, इतना भी टफ नहीं था, ओके इसी तरीके से आपको मैं ट्राई करा। तो आई होप सो गाइस कि आप इन्जॉय करो और हमारा फाइनल आउटपुट यह है। सो गाइस अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो आप गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो मैं आपको इसी तरीके से और क्रिएट करूँगा और समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आई होप सो कि आप ऐसे ही जो है वो इन्जॉय करते हैं ट्यूटोरियल और मुझे बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। बाकी गाइज आप और भी चीज़ें इसमें कर सकते हो, हम आगे जानेंगे, थोड़ी सी फ्यूजन की ट्रिक्स भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पे कलर भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका इमेज पे लेना है आपको इसको ऑरेंज कलर देना है सेट कलर, आप इसको येलो कर दोगे तो आपका ये येलो हो जाएगा। ये पर्टिकुलर मैं याद करने के लिए होता है कि मैं कौन चीज़ कहाँ दी है। इसके भी आप धीरे धीरे ट्रिक्स भी हम सीखते रहेंगे, छोटी मोटी जो फ्यूजन के अंदर है काफ़ी अच्छी लगती हैं अभी, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। तो गाइज चलो अब लोग हम चलते हैं इस एपिसोड में, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके गाइज बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।